डॉक्टर ज्योत्सना सिंथेसिस की बॉटनी मेंटर, आज आपके सामने एक नया पैटर्न लेकर आई हूँ और वो है एनसीईआरटी इन वन शॉट। आपको पता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन होता है, तो हम एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हुए उसका पेज टू पेज स्लाइड बना रखी है। तो आपको गौर क्या करना है कि यहाँ पे जो स्लाइड आएगी वो पेजेस की होगी, ध्यान रखना वो एनसीईआरटी के ही पेज एज सच हैं और मैं उनको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो बच्चों के क्या प्रॉब्लम आती है उस पर मैं ज़्यादा फोकस दूंगी और उसके बाद रीडिंग करना आपका काम है, तो मैं उन टर्म्स को मार्क करती जाऊंगी तो उन पे आप गौर कीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें मुख्य पॉइंट क्या पढ़ते हैं हमें पता है। देखो स्टार्टिंग में उसने क्या कर रखा है, वेरियस टाइप के क्लासिफिकेशंस बता रखे हैं, है ना। उसके बाद आपको पता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन है इस वाले चैप्टर में। उसके में सबसे पहला किंगडम कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, एंड देन ये जो हैं वो कौन जो कि फाइव किंगडम में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, उठकर आते हैं। हमारा सबसे पहली बात, देखो आपको इस चैप्टर को यानी इस चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन समझने से पहले एक छोटा सा चार्ट बनाती हूँ मैं, उस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ और बाकी आगे बाद में डिटेल में भी करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में जब द लिविंग वर्ड पढ़ा था तो हमने कहा था कि टैक्सोनॉमी में हम चार चीज़ें पढ़ते हैं, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये तीनों चीज़ें तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली थी, लेकिन क्लासिफिकेशन जो है वो उसका छोटा सा पार्ट फर्स्ट चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में भी है और थर्ड चैप्टर में भी है। ये कारण क्या है, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है वो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लासिफाई का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलर करेक्टर के बेस पर सेम ग्रुप में रखना और डिसिमिलर करेक्टर के ग्रुप में उसके हिसाब से उसके दूसरा ग्रुप को फॉर्म करना, यानी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, जो कि टैक्सोनॉमी का मेन जो है ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए कई बार टैक्सोनॉमी को सिनोनिमिकली क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो अब आइएगा आखिर ये क्लासिफिकेशन में चेंज क्यों आए और कब कब आए और कैसे आए, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन है ना, एक्चुअल में दो कैटेगरी में डाला गया है। कुछ तो ऐसे थे जो कि सिविलाइजेशन के समय ही स्टार्ट हो गए थे, पर उस समय लोगों को साइंस का नॉलेज नहीं था, तो ये जो क्लासिफिकेशन थे वो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थे, ठीक है। जबकि जो है एक लंबे समय के बाद जब वो क्लासिफिकेशन साइंस का नॉलेज होने लग गया तो साइंस के क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए क्लासिफिकेशन करने लग गए, क्योंकि हम यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, है ना। हमें कोई दूसरे किसी थिंग्स की बात तो करनी नहीं है, हमें तो किसकी बात करनी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें लिविंग के करेक्टर, चाहे वो जो भी है ना, ग्रोथ है, चाहे हमारा मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, और उसके साथ साथ जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, साइंस के जो है डिस्कवरी और होती गई, लोगों को और नॉलेज होता गया, तो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन भी चेंज होते गए। तो इसके कारण क्या हुआ, क्लासिफिकेशन के पैटर्न भी चेंज होते गए, ओके। तो अब जो पहले नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थे वो तो कब शुरू हो गए, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, है ना। सिविलाइजेशन सभ्यता, लोगों को नॉलेज, मतलब जंगलों में जी रहे थे तब भी स्थिति यही थी, तो उस समय जो क्लासिफिकेशन थे वो अर्लियर क्लासिफिकेशन कहलाएंगे। और वो किस पर बेस थे, यूजेस के बेस पर, है ना, कि ह्यूमन उस चीज़ को कैसे यूज़ करता है, किस फॉर्म में यूज़ करता है। तो इसके लिए देखो कितना रिदम बढ़ता है, रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, माने कि फूड, है ना, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो ये तीन बेस थे जो कि नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के थे।
अब आते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इसका काफ़ी बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट पे जो है अपना स्लाइड आएगा उसमें चार्ट के साथ समझाऊंगी आपको, ओके। अब देखो बात आती है यहाँ पर इस स्लाइड में कितने तक दे रखा है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले शुरू हुए थे उसमें सबसे पहले किस साइंटिस्ट का नाम आता है? एरिस्टोटल का नाम आता है। एरिस्टोटल ने पता आपको प्लांट को भी क्लासीफाई किया और एनिमल को भी क्लासीफाई किया। प्लांट को क्लासीफाई करके इसने तीन ग्रुप बनाए, हर्ब, शर्ब और ट्री, और एनिमल को क्लासीफाई करके दो ग्रुप बनाए, वे जो कि ब्लड रखते हैं, तो हैड रेड ब्लड, है ना, और डू नॉट हैव रेड ब्लड, तो ब्लड रेड ब्लड का होना या ना होना। अब देखो इसको जो क्या कहते हैं, इनेमिया कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एनेमिया कहते हैं। तो इसका मतलब एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक टर्म को यूज किया, क्योंकि ये देखो हर्ब शर्ब ट्री मतलब कि छोटा सा पेड़, थोड़ा बड़ा झाड़ियां और बड़ा लंबा ट्री, तो इसका मतलब मॉर्फोलॉजी को बेस करके रखा गया। लेकिन यहाँ अ फ्यू करेक्टर रखे गए, कुछ करेक्टर्स को ही ध्यान रखा गया, जैसे ब्लड है या नहीं है, है ना, मतलब रेड ब्लड है या नहीं है, तो ऐसे करेक्टर्स जिसमें कि अ फ्यू टाइप के जो है करेक्टर्स लिए जाए, एक या दो करेक्टर को बेसिस रखे जाए, वो क्लासिफिकेशन किस में आएंगे बच्चे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये किस में आएंगे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इट मीन्स एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन कौन सा है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा अगला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन सा आता है बच्चा? लीनियस का आता है। लीनियस ने साइंटिफिक जो है सिस्टम को यूज करते हुए, क्योंकि इसी ने सबसे पहले सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखी, है ना, सिस्टेमा नेचुरी बुक में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, और इसने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में कन्वर्ट किया, दो पार्ट में ग्रुपिंग किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटी को देखो पहली बात तो ध्यान रखना, इसको इसने क्या बोला? किंगडम। अब असल में इसके बाद देखो समस्या बहुत सारी आएगी, तो उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। प्लांटी किंगडम, देखो एनिमल में तो क्या होगा बच्चा, या तो नॉन कॉर्डेट होंगे या हेमी कॉर्डेट होंगे और या कॉर्डेट होंगे, ठीक है। अब नॉन कॉर्डेट में आपको पता है प्रोटोजोआ भी है, है ना, प्रोटोजोआ भी है, और डैश डैश करके नौ करते करते कहाँ तक आते हैं? इकाइनोडर्मेटा तक आते हैं। प्लांटी में दो ग्रुप हुआ, कौन? थैलोफाइटा, कौन से भाई? थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन कौन आते थे बच्चा? एल्गी, फंजाई और माइक्रोब्स। एल्गी में फिर साइनोफाइसी भी आती, फियोफाइसी भी आती, रोटोफाइसी भी आती, यूग्लिनोफाइसी भी आती, मतलब कहने का मतलब ये सभी तरह के जो लोअर कैटेगरी के प्लांट थे वो सब आ रहे थे, ये सब के सब ऑटोट्रॉप्स थे। लेकिन फंजाई कैसे थे? हेटेरोट्रॉप्स थे। ये कैसे थे? प्रोकैरियोट्स थे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे देखो एक ये खाली पेज है, इसको देखो अपने यहाँ पे बनाते हैं, कौन से वाला? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्योंकि जब ये आपको चार्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये एनसीईआरटी का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो तीन पेज है, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, वो जो बच्चों को नहीं समझ में, तो सारे के सारे इस चार्ट से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो मैंने क्या बोला कि ऑर्गेनिज्म देखो यहाँ से ये, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डालते हैं, ठीक है, किसमें? एनिमेलिया। यहाँ कौन? प्लांट। स्पीड बढ़ाऊंगी मैं, ध्यान रखना, क्योंकि वन शॉट में स्पीड तेज रखनी है, ठीक है। थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, है ना, एम्ब्रियोफाइटा में कौन कौन आएगा बच्चा? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना, और इसमें कौन आ जाएंगे अपने? थैलोफाइट में तीन ग्रुप आते हैं, कौन? एल्गी, है ना, फंजाई और कौन आएगा? माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब्स में कौन कौन आता है बच्चा हमारा? आता है देखो वायरस। देखो ध्यान रखना मैं किसका क्लासिफिकेशन कर रही हूँ? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, रिसेंट में नहीं डालेंगे, फाइव किंगडम से तो कंपेयर करना है अपने को। वायरस,
माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया है ना, वायरस माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया और लाइकेन, ये सब किस में आते हैं अपने माइक्रोब में, ठीक है। अब आ जाएगा फंजाई में, दो ग्रुप थे याद रखना है, मिक्सोमाइकोटीना, मिक्सोमाइकोटीना ये कैसे थे, वॉल लेस फंजाई थे, कैसे थे वॉल लेस फंजाई, और जो कैसे थे यूनिसेलुलर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना, ये बातें बहुत जरूरी है इस सारे चैप्टर को समझने के लिए। अब आओ यू माइकोटीना, तो ये तो कैसी थी, कौन सी वाली थी, मल्टी सेलुलर फंजाई, कैसी थी मल्टी सेलुलर फंजाई, ठीक है, और उनमें क्या थे, सेल वॉल भी प्रेजेंट थी। तो अब देखो ये क्योंकि फंजाई का करैक्टर नहीं है, फंजाई का करैक्टर है कि सेल वॉल होनी चाहिए जबकि ये वॉल लेस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फाल्स फंजाई कहते हैं, क्या कहते हैं, फाल्स फंजाई, जबकि इसको क्या कहते हैं, ट्रू फंजाई कहते हैं। इसी को क्या कहते थे, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। अब आओ इधर एल्गी, एल्गी के बेटा 11 ग्रुप थे फ्रिट्ज साहब ने जब किए थे, पर समस्या ये है कि अपने को 11 ग्रुप से मतलब नहीं है, अपने को तो ये देखना है कि जब टू किंगडम से फाइव किंगडम की तरफ गए थे, मतलब टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम आया था ना, तो उसमें चेंजेस क्या क्या हुए थे, इस चीज़ को अपने को गौर करना है। तो आओ जरा देखते हैं, हमने अपना क्या करना है, एल्गी में सबसे पहला चेंज किस में दिखाना है अपने को, साइनोफाइसी, इसी को कहते हैं मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गा, फिर क्लोरोफाइसी, इसमें लफड़ा क्या आएगा, इसमें क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को स्पायरोगायरा और अदर वाले एल्गा के साथ डाला गया है। फिर आओ यूक्लिनोफाइसी, अगला आएगा डाइनोफाइसी है ना, और अगला आएगा बेसिलेरियोफाइसी। देखो बाकी ध्यान रखना, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी बहुत सारे आते हैं, अपने को इस जगह पर ये बिना वजह टाइम खराब करने से मतलब नहीं, क्योंकि अपने को समझनी है एनसीईआरटी, इसके लिए ये चार्ट आना जरूरी है आपको। अब आओ जरा एनिमल किंगडम में, देखो जो नॉन कॉर्डिनेट लिखा था मैंने आपको कहा था कि इसमें प्रोटोजोआ भी आएंगे, और प्रोटोजोआ कैसे हैं आपको अच्छे से सबको पता है, कैसे हैं यूनिसेलुलर है ना, उसके बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, डैश डैश करके इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेट और उसके बाद कॉर्डेट। अब देखो आपको क्या करना है, हमें ये देखना है, ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, ऑर्गेनिज्म को प्लांटी एनिमेलिया, प्लांटी को थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ये तो एम्ब्रियोफाइट में ही है और किंगडम प्लांटी में ही आएंगे, फाइव किंगडम में भी, समस्या यहाँ से आएगी, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप गौर करो जरा, यहाँ क्या हो रहा है, देखो एल्गी ऑटोट्रॉप है और फंजाई हेटेरोट्रॉप है, तो टू किंगडम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये मैं क्या समझा रही हूँ आपको, ड्रॉबैक या डीमेरिट, कि इसने ऑटोट्रॉप और हिटेरोट्रॉप में कोई डिफरेंस नहीं किया, उसको सबको थैलोफाइटा में डाल दिया, यानी किंगडम प्लेंटी में डाल दिया, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, हिटेरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप में डिफ्रेंशिएट नहीं करना। फिर आओ देखो जरा इधर, देखो ये यूनिसेलुलर है, इधर आओ, ये यूनिसेलुलर है और ये मल्टी सेलुलर है, उसको सेम क्लोरोफाइसी में डाल दिया, तो इसका मतलब ये क्या नहीं कर पा रहे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप में नहीं करना, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में नहीं करना, इवन देनो देखो सबसे बड़ी बात, इसमें साइनोबैक्टीरिया है, आपको बताया कि फाइव किंगडम है साइनोफाइसी, तो ये तो प्रोकैरियोट है, और इधर देखो ये वाले, ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स, तो इन प्रोकैरियोट्स कौन, ये, इवन देन इसमें एक फंजाई एक्टिनोमाइसिटी जाती है, वो भी प्रोकैरियोट है, उन प्रोकैरियोट को इन सब यूकैरियोट के साथ डाल दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ ये क्या नहीं बता रहा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। अच्छा देखो इधर, देखो आप इधर भी देखो, यूनिसेलुलर है और ये सब मल्टी सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर दे रहा है, खाली इसकी मेरिट जो है ना, जिसको हम कहेंगे इसका फायदा क्या है, वो दो ही है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है ना, और इजी टू जो है फ्लो फॉलो कर सकते हैं, है ना, हम इजीली सीख भी सकते हैं और इजीली लर्न भी कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, तो स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि
कहाँ तो दूर दूर जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है वो सेम ग्रुप में रख दिए गए हैं, और जहाँ सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, ये सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, फोटोसिंथेटिक है, मल्टीसेलुलर, उनको डिस्टेंस में रख दिया गया है। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को दूर और जो है डिस्टेंटली स्पीसीज को है जो है सेम ग्रुप में रख दिया गया है। तो ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। अब जिसको ये चीज़ समझ में आ गई है उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ एक बार छोटा सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जान के बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ बाकी डिटेल बाद में कर लेंगे हम भले ही, पर यहाँ चेंज बताना है कि ये तो टू किंगडम का हिसाब था, अब फाइव किंगडम में चेंज क्या हुआ। देखो क्या चेंज हुआ, फाइव किंगडम में आपको जरा पता हो, ये देखो मोनेरा, ये प्रोटेस्टा, देखो हालांकि साफ साफ नहीं बन रहा है, ये मोनेरा, ये प्रोटेस्टा, और यहाँ क्या होंगे, ये दोनों तीनों किंगडम आए, है ना। अब देखो बेटा जो भी प्रोकैरियोट्स है, चाहे साइनोफाइसी के साइनोबैक्टीरिया, चाहे ये कहाँ गए, ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, है ना, तो जो प्रोकैरियोट्स है या फिर इसमें यू माइकोसिटीज में, यू माइकोटीना में कौन कौन आते हैं बच्चा, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन सबको, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर। इसमें भी कुछ एल्गा ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट हैं, समझ में आ गई। उन सब को किस में डाल दिया गया, किंगडम मोनेरा में। ये तो इसमें सारे के सारे क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे, ठीक है। अब आओ जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, जिसको मल्टीसेलुलर स्पायरोगायरा के साथ डाला था, है ना। तो ये क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो कि पहले किंगडम प्लांटी में थे, क्योंकि इसमें सेल वॉल है, और इधर कौन, एनिमल्स में, प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम, जो कि किंगडम एनिमेलिया में थे, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं थी, क्योंकि इसका एक ही यूनिफाइड करेक्टर था कि सेल वॉल जो है प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके अलावा बाकी कोई करेक्टर पर ध्यान नहीं दिया। तो इधर तो अमीबा और पैरामीशियम जैसे फॉर एग्जांपल, और इधर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, इस सबको किस में डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। तो कहने का मतलब जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, कौन थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उसको किस में डाला गया, प्रोटिस्टा में। तो इसका करेक्टर क्या है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। तो जैसे एक तो एग्जांपल ये था जो एनसीईआरटी ने रखा, इधर आओ यूग्लिनॉइड्स, ये भी यूनिसेलुलर थे, तो इसको भी किस में शिफ्ट करेंगे अपने, किस में करेंगे, प्रोटिस्टा में। इधर आओ स्लाइम मोल्ड, अभी लिखा था मैंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसको भी किस में शिफ्ट करेंगे, प्रोटिस्टा में, ठीक है। प्रोटोजोआ को भी किस में शिफ्ट करेंगे, जो है प्रोटिस्टा में, ठीक है। अब आओ जरा ये डाइनोफाइसी और बेसिलिरोफाइसी, ये ऐसे एल्गा हैं जो कि यूनिसेलुलर है, लेकिन कुछ में तो फ्लैजिला है और कुछ में फ्लैजिला नहीं है, तो इसके दो ग्रुप बना दिए, क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट। तो जिनमें, जिन एल्गा में, इसके मेंबर में जिनमें फ्लैजिला नहीं है उसको तो किस में डाल दिया, क्राइसोफाइट्स में, और जिनमें फ्लैजिला है उसमें किस में डाल दिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। तो ऐसे करके एक नए ग्रुप का निर्माण हुआ, किसका, प्रोटिस्टा का, क्योंकि इसमें तो करेक्टर क्या है, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, लेकिन यहाँ क्या है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए कहते हैं कि प्रोटिस्टा की कोई बाउंड्री ही नहीं है। देखो आप इसको, जो टू किंगडम वाले साइंटिस्ट है वो तो क्या कहते हैं, इसको प्लांटी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक, है ना, प्लांटी कहते हैं, और जो फाइव किंगडम वाले साइंटिस्ट क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। ऐसे जैसे ये प्रोटोजोन प्रोटिस्टा है, तो टू किंगडम वाले तो कहेंगे इसको होलोजोइक प्रोटिस्टन, और जबकि टू किंगडम वाले तो कहेंगे इसको एनिमल्स, और फाइव किंगडम वाले क्या कहेंगे, इसको होलोजोइक जो है प्रोटिस्टन। तो बात कुछ समझ में आई, पक्की, कोई डाउट नहीं, अगर डाउट है तो रिपीट कर लेना, इसी वापस उसी चार्ट को रिपीट करना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, अब सारी एनसीईआरटी की लाइन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि ये सब क्यों हुआ, क्यों हुआ ये सब चेंज, क्यों, क्योंकि पहले लोगों को इतना ही नॉलेज था, समझ में आ गई। ये तो है 1700 करके कुछ, 17 यानी 18 सेंचुरी का है, और ये 20 सेंचुरी का है ना, क्योंकि आपने याद किया है 1969
इसका मतलब 20वीं शताब्दी का है, कहाँ ये जो है लगभग 18वीं शताब्दी का है, तो 200 साल का अंतर हो गया बाबा। तब तक तो साइंस का नॉलेज खूब बढ़ता गया। अच्छा, इसके बीच में एक सबसे बड़ा फंडा क्या आया, डार्विन। तो डार्विन ने क्या लिखी, ऑरिजन ऑफ स्पीसीज। तो ये पता चला कि जो नई स्पीसीज डेवलप होती है वो पहले से उत्पन्न, जैसे कि क्या, इसका मतलब प्रोकैरियोट से ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट बने, यूनिसेलुलर यूकैरियोट से मल्टीसेलुलर यूकैरियोट बने। इसका मतलब यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं कहूँ एंजियोस्पर्म है, तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, क्राइसोफाइट से है। तो इन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में इंटर रिलेशन, यानी कि आपस में रिलेशन, एफिनिटीज डेवलप करना, एफिनिटीज पहचानना, ये कहलाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशन। क्या कहलाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। तो अब जो रिसेंट के क्लासिफिकेशन है वो, बाकी तो करेक्टर मॉर्फोलॉजी तो है ही, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो ही है, पर इसके साथ देखो, ये देखो प्रोकैरियोट सेल, ये यूकैरियोट, मैंने सेल का ऑर्गेनाइजेशन भी समझना चाहिए। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो ये क्या है, होलोफाइटिक, ये क्या है, एब्जॉर्प्टिव, ये है होलोजोइक। इसका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी समझ में आना चाहिए। और उसके बाद अगला क्या है, उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशन को भी इसको समझना चाहिए, और रिप्रोडक्शन का पैटर्न भी, क्योंकि यहाँ क्या है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ मोस्टली एसेक्सुअल बट सेक्सुअल भी होता है, और यहाँ आने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है। ऐसे सेल वॉल कंपोजिशन भी हो सकता है, जैसे इसमें भी सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल है, बट यहाँ सेल वॉल सेल्युलोज की है और यहाँ काइटिन की है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होंगे। बात समझ में आई, श्योर? चलो अब देखो अगला, मैं वापस पिछले पेज की तरफ जाती हूँ। देखो ये, देखो ये क्या कह रहा है अपना, ये था हमारा लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें यहाँ तक तो सिर्फ यही लिखा है कि उसने प्लांटी और एनिमेलिया में डाला था। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देख लो, ये साफ दिख रहा है ना आपको कि इसने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस नहीं बताया, इसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस।
नहीं बताया, इसने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंस नहीं बताया, तो इसके साथ क्या है ऐसी चीज़ों में डिफरेंशिएट करना इसमें संभव नहीं था। केवल विशेषता की क्या थी कि इजीली डन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, बस। और कुछ तो ऑर्गेनिज्म और भी, ये तो बात ही नहीं हुई अपनी, कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे थे जैसे कि सबसे शानदार एग्जाम्पल कौन, यूग्लिनॉइड्स, है ना। अब देखो आप जूलॉजी वाले टीचर भी यूग्लिना पढ़ाते हैं और प्लांटी वाले भी पढ़ाते हैं, इसका मतलब यूग्लिनॉइड्स को किस में रखें, प्लांट में या एनिमल में, क्योंकि आगे पढ़ोगे यूग्लिनॉइड्स तो आपको पता चलेगा कि यूग्लिनॉइड्स ऐसे, यूग्लिना का, यूग्लिना एक मेंबर है यूग्लिनॉइड्स का, ठीक है, यूग्लिनॉइड एक पूरा डिवीजन है। तो उसमें तो वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और जब उसको लाइट मिलती है तब तो फोटोसिंथेसिस करता है, और लाइट नहीं मिलती है तो वो प्रीडेटर की तरह यूज़ करता है ना, तो इनगल्फ करके फूड को डाइजेस्ट करता है। तो इसका मतलब यूग्लिनॉइड को तो कहीं नहीं डाल सकते। ऐसा एक दूसरा एग्जांपल और है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, लाइकेन, किस में डालोगे आप, एल्गी में डालोगे या फंजाई में डालोगे, है ना। ऐसा एक और एग्जांपल है, चिंता मत करो, वाउचेरिया, है ना, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, वाउचेरिया सिनोसाइटिक जेंथोफाइसी के मेंबर है, वो उसमें भी पढ़ा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको किस में डालोगे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, तो ये इसकी क्या हो गई, डीमेरिट हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो अगला क्या कह रहा है, ये समझ में आ ही गया था आपको, है ना। अब देखो, अब वो जो मैंने बोला था ना पीछे, ये चार्ट को समझाते बस वो लाइन है और कुछ भी नहीं है, तो इसको देख के घबराना मत, थोड़ी सी लाइन जो मर्ज की भी है। कारण क्या है, एनसीईआरटी की सारी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझ में आना चाहिए। जिसको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड याद है वो निश्चित रूप से नीट से सेलेक्ट होगा। तो देखो इसने क्या बोला बेटा, कि इसने कहा कि खाली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, है ना, जो कि पहले के टू किंगडम क्लासिफिकेशन में थे, है ना, हर्ब शर्ब ट्री, जैसे ऐसे कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन, जो प्लांटी का ना, उसमें पता है क्या किया उसने, उसने उसको हम सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, है ना, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन भी, किसकी बात कर रही हूँ मैं, लीनियस के क्लासिफिकेशन को। उसने क्या किया कि पूरे प्लांटी को 24 क्लास में बांट दिया, किसमें, 24 क्लास में, पता है नाम क्या रखा, मोनो एंड्रिया, यानी एंड्रोशियम एक, मतलब एक ही करेक्टर, खाली एंड्रोशियम को ध्यान रखा कि स्टेमन की संख्या एक, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और कुछ ऐसे थे जो नन एंड्रिया, मतलब जिसमें स्टेमन है ही नहीं, समझ में आ रही। तो अब देखो ये जो थे ना वो तो सारे के सारे कौन से थे, फर्स्ट से एक से 23 तक तो क्या थे, सारे के सारे फेनेरोगेम थे, है ना, और जो 24वां ग्रुप था वो कौन सा था, क्रिप्टोगेमिया था, क्रिप्टोगेमिया था, यानी उसमें कौन आ गए सारे के सारे, देखो फेनेरोगेम में कौन आता बच्चा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, और इसमें कौन आ जाएंगे, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और थैलोफाइट, ठीक है। तो अब देखो तो सही आप, इसमें क्या है, ये नन एंड्रिया में आ गए ना सारे के सारे, तो इसमें ये क्या हो गए कि ये वो हैं जिसमें केवल स्टेमन को क्लासिफिकेशन का बेस रखा है, मतलब बाकी तो क्रिएटर है ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि खाली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से ही काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा उसको, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, किसकी आवश्यकता महसूस हुई, इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन, विकासीय संबंधों की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब देख एक छोटी सी बात आएगी कि 2, 3, 4 किंगडम जो भी हैं, इसमें आप एक लाइन देखोगे कि विभिन्न जंतुओं की संख्या लक्षणों में विभिन्न, कोई बात नहीं, अब आगे आ जाएगा कि जब मैं 2 किंगडम 3 किंगडम करूंगी तो यहाँ के डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने जो क्लासिफिकेशन किए थे उसमें प्लांटी और एनिमिलिया हमेशा सस्टेन रहे थे। तो अभी देखो अगले पेज में करते हैं अपने अगला, अब विटेकर का क्लासिफिकेशन, मैं उससे पहले 2-3 बातें बोलती हूँ। देखो आपने 2 किंगडम पढ़ लिया, क्या बताता है, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है, किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। 3 किंगडम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने, मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे ध्यान रखना, उसमें 3 ग्रुप थे, प्लांटी, प्रोटिस्टा, नया ग्रुप कौन आया, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया। 4 किंगडम किसने दिया था, कॉपलैंड ने, क्या है, चार ग्रुप हो जाएंगे, 4 किंगडम मतलब 4 किंगडम, कौन आए, प्लांटी एनिमिलिया, फिक्स है ध्यान रखना, कौन नया आया, माइकोटा, माइकोटा, इसमें कौन आएंगे, सारे प्रोकैरियोट, और
प्रोटोकिस्टा, जो प्रोटिस्टा बोलते थे यहाँ पे वापस क्या बोलने लगे, प्रोटोटिस्टा या प्रोटोकिस्टा, ठीक है। इसमें कौन आएंगे, जो लोअर प्लांट एंड एनिमल है ना। अब आ जाओ फाइव किंगडम, जो डिटेल में अपन ने दे ही रखा है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फिर सिक्स किंगडम और थ्री डोमेन, सिक्स किंगडम और थ्री डोमेन, ठीक है। तो इसमें तो कौन थे पांच, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, देखो रैंडमली बोल रही हूँ गलती से, वैसे सीक्वेंस से बोलना चाहिए, इधर आ जाती मैं, है ना। सबसे पहले मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो समझ में आ गए, ये बात याद रखेंगे। अब देखो इसने क्या किया पता है आपको, इसने तीन डोमेन बना दिए। मोनेरा जो था ना, ये मोनेरा, इस मोनेरा को डिवाइड किया इसने किसमें पता आपको, आर्किया और बैक्टीरिया। तो अब देखो एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः किंगडम, समझ में आ गई। छः किंगडम कैसे बने, एक दो तीन चार पाँच छः, लेकिन डोमेन कैसे बने पता आपको, आर्किया, बैक्टीरिया और ये सारे के सारे यूकेरिया। तो क्या बने, आर्किया, बैक्टीरिया और ये सारे के सारे क्या हो गए, यूकेरिया। तो ये कह रहा है कि इस पद्धति में अंतर्गत ना मोनेरा, ये तो फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अब अगला देखो, आपको ये आता है, सब कुछ आता है इसमें, बिना मतलब टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अब अपने इसको टेबल में क्या याद करना है, देखो कितना जल्दी याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रुप है जिसमें यूकेरियोट्स हैं, तो देखो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल है, मतलब चार किंगडम तो ऐसे हैं जिसमें कौन है, यूकेरियोट्स हैं, है ना। उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल याद क्या रखनी है, नॉन सेल्युलोजिक, है ना, क्योंकि सेल्युलोज एक आइडियल कंसेप्ट है। जैसे इसमें ना ये काइटिन, इसको कई बार पता क्या लिख देते हैं, फंगल सेल्युलोज, फंगल सेल्युलोज ऐसे लिख देते हैं, सेल्युलोज, ठीक है। तो जैसे इसको नॉन सेल्युलोज बोला ना, वैसे इसको फंगल सेल्युलोज भी बोल देते हैं, है ना। और ये नॉन सेल्युलोजिक जो होती है वो किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड, या फिर इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन, क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन, समझ में आ गए। अब देखो ये प्रोटिस्टा है, आपको पता है इसमें क्या होती है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, इसमें तो सेल वॉल होती है, बाकी ना तो यूग्लिनाइड्स में, ना स्लाइम मोल्ड में और ना ही प्रोटोजोन में, इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए कह रहा सम प्रेजेंट, फिर यहाँ तो होती है, इसमें नहीं होती है। अब आ जाओ अगला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको पता है ये प्रोकैरियोट है, तो इसमें नहीं होगी, बाकी में सभी में होगी, है ना। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये सेलुलर, सेलुलर का मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये यूनिसेलुलर है, है ना, इसमें टिश्यू नहीं बने हैं, जबकि इसमें क्या हो गया, लूज टिश्यू। लूज टिश्यू पता है किसको कहते हैं, प्लेक्टेनकाइमा को। प्लेक्टेनकाइमा का मतलब क्या होता है पता, ये जो फंजाई है ना उसका एक जो फिलामेंट होता है उसको हाइफा कहते हैं। फिर ये हाइफा जो होता है ना, कई सारे हाइफा ऐसे वेब लाइक, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको माइसीलियम कहते हैं। अब आप एक बार इसको अपीरियंस के बेस पे देखो, अगर आप मैं इसको देखो ना तो कैसे लगेगा, इसको मैं ऐसे 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 देखो, ये यू 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 बन जाते हैं, जबकि पता है क्या, ये फॉल्स फिलामेंट है। ये क्या है, फॉल्स फिलामेंट, ओ सॉरी गलती हो गई, फिलामेंट का स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, इसलिए इसको टिश्यू लाइक दिखने लग गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉल्स टिश्यू। क्या कहेंगे बेटा, फॉल्स टिश्यू, और इसके लिए टेक्निकल टर्म क्या है, प्लेक्टेनकाइमा। क्या कहते हैं, प्लेक्टेनकाइमा। तो लूज टिश्यू को प्लेक्टेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। अब आपको प्लांटी में तो पता ही है, पूरा डिटेल सबको पता है, डिटेल पढ़ेंगे भी हम, इसमें तो टिश्यू ऑर्गन भी बन जाते हैं, इसमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी बन जाते हैं सबके सब। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है इसमें, ये तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और ये हो रहा है हिटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखनी है, देखो और इसमें भी है बेटा ऑटोट्रॉप या फिर हिटेरोट्रॉप, इसमें भी है, लेकिन इसमें ऑटोट्रॉप कीमो और फोटो दोनों हैं, लेकिन इसमें केवल फोटो ही है, ध्यान रखना। तो कीमो सिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप होते हैं वो सिर्फ मोनेरा में होते हैं, सिर्फ मोनेरा में, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें ऑटोट्रॉप हैं तो वो कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक या फिर हिटेरोट्रॉप है। इधर आपको पता है फंजाई है तो वो तो हमेशा ही क्या होती है, हिटेरोट्रॉप ही होती है, या तो सेप्रोफाइटिक होगी या पैरासाइटिक होगी। प्लांट है वो हमेशा आपको पता है ऑटोट्रॉप होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेसिस नहीं, ठीक है। और ये एनिमेलिया वो हमेशा आपको पता है हिटेरोट्रॉप होते हैं, होलोजोइक मतलब इंटरनल डाइजेशन करते हैं, ठीक है, और या फिर सेप्रोफाइट्स होते हैं, पक्का याद हो जाएगा, श्योर। अगला बढ़ते हैं, अगला देखो ये कह रहा है कि थ्री डोमेन, यही मैंने अभी पीछे बोला था ना, थ्री डोमेन, यहाँ पे देखो अपने बनाते हैं। ये कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म है ना बेटा,
इस ऑर्गेनिज्म को वास्तव में जो फाइव किंगडम मोनेरा था ना उसी को डिवाइड किया। तो अब देखो अपने ऐसे इसको ढंग से बनाते हैं, एक डोमेन डी वन मैं ऐसे लिखती हूँ बेटा, डी वन है ना, डी टू और डी थ्री, पता है इसके लिए डोमेन वन डोमेन टू डोमेन थ्री। इस डोमेन के लिए वर्ड पता है एक और होता है, इसको कई बार सुपर किंगडम भी लिख देते हैं, सुपर किंगडम भी लिखते हैं। डोमेन वन का नाम क्या है बच्चा? आर्किया, ठीक है। इसका नाम क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। और इसका नाम क्या है बच्चा? यूकेरिया। इस यूकेरिया को फर्दर किंगडम में डिवाइड करते, देखो ये डोमेन है और ये किंगडम में डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो किंगडम कौन कौन से, देखो अब मोनेरा तो देखो ये आ गए, ये कौन है दोनों, मोनेरा इस तरह। अब कौन आएगा? प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांटी, फिर फंजाई और फिर एनिमेलिया। तो अगर मैं किंगडम गिनूंगी तब तो क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। तो इसीलिए कहते हैं कि या तो मैं कहूँ सिक्स किंगडम और या मैं क्या हूँ थ्री डोमेन। किसने दिया था बच्चे? कार्ल वूज ने, क्लियर। अब देखो आपको एक बात ध्यान क्या रखनी है कि आखिर इस मोनेरा को डिवाइड क्यों किया, कारण क्या था, पता है आपको कारण क्या था? देखो इसने साफ लिख भी रखा है तो हम क्यों टाइम खराब करें लिख कर। इसका कारण क्या था? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में अंतर आना। ये थे ना आर्किया, ये सबसे एंशियंट थे, तो इनके सेल वॉल में जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड थे, जबकि इसमें पेप्टाइड और ग्लाइकेन में कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड और पॉलीसेक्राइड नहीं होते। एक तो अंतर ये, फिर इसके सेल मेम्ब्रेन में लिपिड ब्रांच्ड प्रोटीन होते हैं। लिपिड कैसे होते हैं? ब्रांच्ड लिपिड होते हैं, ब्रांच्ड लिपिड, प्रोटीन तो होती ही है, ठीक है, लेकिन इसमें सिंपल प्रोटीन होते हैं। और इसके जो 16S rRNA के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में बैक्टीरिया की तुलना में डिफरेंस होता है, तो इसके कारण ये सेपरेट किए गए। और इनके कारण ये क्या होते हैं? हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एंशियंट बैक्टीरिया है और ये रीसेंट बैक्टीरिया है। हो गया काम खत्म, चलेगा अगला आते हैं। देखो ये एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है जो वास्तव में मैं कब समझा चुकी, जब आपने कब क्या पढ़ा था, वो जो चार्ट पढ़ा था। देखो अभी मैं कुछ बातें समझा देती हूँ, इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी खोलिए और लाइन टू लाइन बात कीजिए। देखो क्या कह रहा है ये, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड द इश्यू एंड कंसिडरेशन। क्या किया इसने, देखो ये कह रहा है कि जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन होते हैं, अर्लियर क्लासिफिकेशन मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसने जो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा फंजाई मॉस फर्न जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उसको एक ही ग्रुप प्लांट में डाल दिया, समझ में आ गई। और करेक्टर यूनिफाइड क्या था कि होल किंगडम को केवल ये क्या कह रहा है कि उसमें सेल वॉल होती है, बस ये सब समझा चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें सेल वॉल होती है इसलिए उसको सबको एक साथ डाल दिया, जबकि आपने देखा कि ये क्या है, प्रोकैरियोट, ये हेटेरोट्रॉफ और ये सब क्या है, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर और ऑटोट्रॉफ, तो इन सबको एक साथ मिक्स कर दिया है ना, कहीं की ईट कहीं का रोडा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, खाली एक बेस सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। अब आओ देखो, अब ये कह रहा है कि दिस प्लेस टुगेदर, देखो वो जो मैं पीछे समझा चुकी वही लाइन है, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप इज वाइडली डिफरेंटेड टू अदर करेक्टर। एक करेक्टर तो सेम था, बाकी सब करेक्टर डिफरेंट थे, बस एक ग्रुप में डाल दिए। अब आ जाओ, इट ब्रॉट टुगेदर, कैसे बोला इसने, कहा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा जैसे एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, उसको किसके डाल दिए, साथ डाल दिया अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोट्स, डाला था ना साइनोफाइसी के बाद क्लोरोफाइसी यूग्लिनोफाइसी डाइनोफाइसी ब्लेसिनोफाइसी रोडोफाइसी फियोफाइसी सब आएंगे उसमें। और इवन ये तो प्लांटी की बात कर रहा है तो उसमें तो सब के सब ये वाले आएंगे, मॉस और फलाना फला फला ना, तो ये कह रहा है कि बाकी इन सब यूकेरियोट, इसीलिए देखो इसमें और डाला इसने आल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद मल्टीसेलुलर वन जैसे एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, वो स्पायरोकैरा के साथ डाल दिया, आपने देखा क्लोरोफाइसी क्लास है उसमें डाल दिया। फिर इसने कहा क्या, कहा कि दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन एल्गा, ये देखा ही था आपने, ग्रीन प्लांट भी नहीं, आपने देखा थेलोफाइटा में क्या है ये है और एम्ब्रियोफाइटा में वो, इसका मतलब प्लांटी में ही तो डाला है इस सबको, तो इसने इसमें भी डिफरेंस नहीं किया। अब ये कह रहा है कि
इसने ये भी नहीं देखा, असल में मानो कि हम कहें कि भाई सेल वॉल को देखा, तो इसने ये तो ये भी नहीं देखा कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। फंजाई में सेल वॉल तो होती है पर काइटिन की होती है, प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, तो इसने कहा कि फंजाई तो काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, है ना, जबकि बाकी ग्रीन प्लांट में किसकी होती है, सेल्यूलोजिक की होती है। ठीक है, तो इसने यहाँ से, आप देखो यहाँ से, यहाँ से बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसने कहा कि अगर ऐसे ही को हम गौर करें, इसको अगर कंसिडर करें इन सब को, तो अब क्या करेगा कि ये करेक्टरिस्टिक कंसिडर करने पर फंजाई को सेपरेट किंगडम किस में डालना पड़ेगा, किंगडम फंजाई में। फिर अगला चेंज क्या हुआ, ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म किस में डाल देंगे, किंगडम मोनेरा में। ठीक है, फिर देखो यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में डाल देंगे सबको, किंगडम प्रोटेस्टा में। तो अब देखो फिर वही फर्जी वाली लाइन, प्रोटेस्टा में ये कह रहा है कि ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस इन एल्गा विद प्लांट बोथ सेल वॉल विद पैरामेशियम एंड अनामीबा अर्लियर प्लेस इन एनिमल किंगडम विद लेक सेल वॉल। याद आ गए, मैंने दोनों को बताया था साइड में, है ना, तो उनको एक साथ डाल दिया गया। अब देखो इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम, क्योंकि ये क्या थे, अमीबा वगैरह एनिमल किंगडम में थे और ये किस में थे, प्लांट किंगडम में थे, तो पिछले किंगडम में ये अलग अलग में थे लेकिन अब इनको एक साथ रख दिया गया। अब ये कह रहा है कि ऐसे जो चेंजेज है वो फ्यूचर में भी होंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को नॉलेज बढ़ता रहेगा ऐसे चेंजेस लगातार होते जाएंगे और होने भी चाहिए, और इसमें मुख्य आधार इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लोगों को ज़रूरी है, लोगों को मतलब साइंटिस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखो अब इसका, तो देखो ये हिंदी ही है, ये सब को समझ में आ गई, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स ही बोल रही हूँ तो इसमें टाइम नहीं खराब करते, मैं अगली तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये कह रहा, देखो साफ साफ कह रहा, ओवर टाइम अटेम्प्ट इट हैज़ बीन मेड इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी बट ऑल्सो किस पे, फाइलोजेनेटिक्स, ऐसे रिलेशनशिप जो कि इवोल्यूशनरी। अब देखो मैं इवोल्यूशनरी बताती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये मोनेरा है, सबसे पहले अर्थ जब डेवलप हुआ लाइफ तो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया से ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी डेवलप हुए और हिटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी डेवलप हुए, ये सब के सब क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। इनसे जब स्पेशिएशन हुआ यानी नई स्पीशीज डेवलप हुई तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स डेवलप हुए। ठीक है, अब जो ऑटोट्रॉप से इनसे भी ग्रुप डेवलप हुए तो जो क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स, है ना, कुछ ऐसे थे जो इनके बीच के थे जैसे यूग्लिनॉइड्स। हिटेरोट्रॉप से कौन हुए, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन प्रोटेस्टा। इसका पता क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ये एरो लगा रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि ये जो डेवलप हुए हैं ना इन्हीं में स्पेशिएशन यानी स्पीसीज का नया स्पीसीज का ओरिजिन हुआ, इन्हीं में चेंज होकर नई स्पीसीज बनी, इसी को तो कहते हैं एंसेस्टर एक है सबका बाप आर्किबैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्किबैक्टीरिया से ही ये डेवलप हुए, इन्हीं से ये डेवलप हुए। अब देखो अगले, और ये देखो ऐसे तीन, इनसे कौन हुए, ये फोटोसिंथेटिक थे तो ये आगे कहाँ गए, एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजियो, है ना। अब ये इनसे क्या हुए, ये यूग्लिनॉइड का मिक्सोट्रॉपिक नेचर है तो यहाँ इनका रोल नहीं है। स्लाइम मोल्ड कौन है, ये देखो ये तो एंसेस्टर ऑफ प्लांट थे, ये एंसेस्टर ऑफ फंजाई, तो इनसे कौन, फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज। ये कौन है, एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स, तो इनसे कौन, प्रोटोजोआ, तो यहाँ आ गए पॉरीफेरा डैश 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 करते मैमल्स, है ना। तो ये जो रिलेशन है ना बेटा, इनको कहते हैं हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विकासीय संबंध। देखो विकासीय संबंध यानी विकासीय संबंध का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं डेवलपमेंट होना, स्पीसीज का डेवलपमेंट होना, यानी ये हर स्पीसीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर एंजियोस्पर्म भी है तो इनका रिलेशन इससे, अगर मैमल्स भी है तो इनका रिलेशन इनसे है, तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटर रिलेशनशिप निकालना ही क्या कहलाता है, फाइलोजेनेटिक एफिनिटी। ठीक है, विकासीय बंधुता, इसका मतलब आर्किबैक्टीरिया भी अपना भाई है, समझ में आ गई, आर्किबैक्टीरिया भी अपना भाई लगता है क्योंकि हम भी उसी से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और उसके साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे, फास्ट रिवीजन आपको पता है ये सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, तो शायद मेरे ख्याल में ये वेरियस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम उठाते हैं मोनेरा। ठीक है, मोनेरा मतलब ये क्या है,
मोनेरा का मतलब है कि वर्ड आता है बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर है, ठीक है। मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया और उसका मतलब क्या है, सभी प्रोकैरियोट्स में आएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी प्रोकैरियोट्स होंगे, जो टू किंगडम में कहीं पर भी थे, मैं बताऊं देखो कहां कहां थे, एक तो माइक्रोब था ना, उसमें वो वायरस और लाइके को इंक्लूड नहीं करना है, बैक्टीरिया, फिर माइकोप्लाज्मा, वो तो वहां थे। फिर एल्गी में कौन था, साइनोफाइसी, ठीक है। फंजाई में एक क्लास ऐसी आती है एस्कोमाइसिटीज की सब क्लास एक्टिनोमाइसिटीज, उसमें भी कुछ प्रोकैरियोट्स फंजाई होती है, तो वो एक्टिनोबैक्टीरिया। तो सारे क्या होते हैं, देखो साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया, आर पहले सिंपल से बोलती हूँ, आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में कौन कौन आएंगे, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया, है ना। और यू बैक्टीरिया जो कॉमन बैक्टीरिया पड़ते हैं, जो जनरल बिहेव में मिलते हैं, तो वो वाले हैं, सब सब के सब प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। उन सबको किस में इंक्लूड कर दिया गया, मोनेरा। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोनेरा है ना, सबसे बड़ी बात है ये कॉस्मोपोलिटन होते हैं, कॉस्मोपोलिटन मतलब सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पर मिलते हैं, और सबसे ज्यादा मिलने वाले ना, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, और ये सभी जगहों पर मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉस्मोपोलिटन। और ये कितनी मजाक वाली बात है कि एक मुट्ठी अगर मैं मिट्टी भरूं ना, तो उसमें वो कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, देखो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, सौ की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मिट्टी मुट्ठी भर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसका मतलब आप सोचो कि कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हो इतनी सी मिट्टी में अगर ये रहता हूँ, है ना। तो ये कह रहा है कि हर जगह मिलते हैं, जैसे इसने कहा कि ऐसा है कि केवल ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कंडीशन में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि ये फेवरेबल कंडीशन में ही मिलते हैं, ये मोस्ट एडवर्स कंडीशन में भी मिलते हैं। ध्यान रखना मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि हॉट स्प्रिंग में मिल सकते हैं, डेजर्ट में मिल सकते हैं, स्नो में भी मिल सकते हैं, डीप ओशन में मिल सकते हैं, जहाँ की बाकी अगर बहुत मुश्किल से ही कोई जीव जीवित रह पाता है, ऐसी जगहों पर भी बैक्टीरिया मिला करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में कौन कौन इंक्लूड है, आर की बैक्टीरिया, है ना, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया जो हम पढ़ते हैं जनरली वो तो आता ही आता है नॉर्मली, है ना, साइनोबैक्टीरिया, है ना, एक्टिनोबैक्टीरिया, ये सब के सब इसी में आते हैं, तो हम जनरल करेक्टर सभी के लिए करते हैं। नेक्स्ट आइएगा, अब देखो ये तो आपको सब बच्चों को पता है ना, क्या पता है कि आकार के आधार पर से चार समूह बांटा गया, सबको आता है, इसे बता रहा है, खर्च करूंगी, ये कैसे होते हैं, गोल, है ना, राउंड शेप, ये कैसे होते हैं, बेसिलस होते हैं, रॉड शेप, है ना, ये कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं, इस टाइप के स्पाइरल, है ना, सर्पिल आकार होते हैं, ये कैसे होते हैं, कॉमा शेप। तो इसके लिए समय नहीं खराब करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ये चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये सबसे बड़ी एक क्या कह सकती हूँ मैं कि दिखते तो बड़े सीधे साधे हैं, पर इनका व्यवहार जो है ना, इनके बिहेवियर जो है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, समझना कि क्या है, देखो अभी दो मिनट में बताते हैं आपको, क्योंकि ये सब इसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, बैक्टीरिया दोनों नेचर के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपी और हिटेरोट्रॉपी, ठीक है, ऑटोट्रॉपी और हिटेरोट्रॉपी। ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो भी दो नेचर के हो सकते हैं बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। हिटेरोट्रॉप कैसे हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप में आपको ध्यान रखना है, देखो ये जो कंसेप्ट है ना, वो तो होता है कि इसके ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, उसके आधार पर तो ये फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। अगर ये सनलाइट यूज करते हैं तो फोटो ऑटोट्रॉप, और अगर ये क्या यूज करते हैं, कोई केमिकल कंपाउंड का ब्रेक डाउन करके और ऊर्जा को लेते हैं तो उनको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। अब फोटो ऑटोट्रॉप में अगला क्या है कि हाइड्रोजन डोनर कौन है, हाइड्रोजन डोनर अगर हाइड्रोजन डोनर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको कहते हैं फोटोलिथोट्रॉप, फोटोलिथोट्रॉप, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और अगर कौन हो, अगर कोई हाइड्रोजन डोनर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो उसको क्या कहते हैं, और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप, ठीक है।
ऐसे ही जो है ऊर्जा के लिए हमने कहा कि कोई केमिकल कंपाउंड लेगा तो कीमोलिथोट्रॉप यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है, जैसे मिथेनो बैक्टीरियम वगैरह होते हैं ना, तो उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। ऐसे पैरासाइट में ना दोनों कंडीशन है, ऑब्लिगेट पैरासाइट या फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ऐसी सेप्रोफाइट में ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट या फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट माने केवल लिविंग पर ही डिपेंड करते हैं, इसका मतलब अगर लिविंग मिले तो ठीक है, नहीं तो सेप्रो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी डिपेंड करते हैं। इसका मतलब केवल डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, और इसका मतलब क्या है, पहली प्रायोरिटी तो डेड ऑर्गेनिक मैटर, अगर वो ना मिले तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, अगर मैं पूरे बैक्टीरिया की बात करूँ तो बैक्टीरिया के बिहेवियर में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये शक्ल में तो बड़े सीधे साधे हैं लेकिन अकल में बड़े बदमाश हैं, है ना, बहुत तरह की क्या कह सकती हूँ मैं, पॉलीनोमिक टाइप का स्ट्रक्चर है ना, तो व्यवहार में अत्यंत भिन्न होते हैं। तो इनकी उपापचयी दृष्टि से ये जीवधारियों की तुलना में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ऐसे अगर आप रेस्पिरेशन भी देखोगे ना, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में भी ये एरोबिक भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, और एनएरोबिक भी हो सकते हैं। एरोबिक में भी ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एनएरोब्स, ऐसे ही एनएरोब में भी ऑब्लिगेट एनएरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक रूप से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिएगा अगला देखो, ये वास्तव में ये बोर्ड इसीलिए खाली किया था, आप कहो तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, नहीं तो मैं पीछे बना चुकी हूँ, तो हम टाइम सेविंग करेंगे क्योंकि हमें फास्ट हिसाब करना है। तो अगला आइएगा देखो, तो ये अब आ जाएगा, यहाँ से शुरू हुआ हमारा आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया को अगर आप करोगे ना, यहाँ पे देखो आर्किबैक्टीरिया को नेचर, सबसे पहले तो देखो बेटा आपको ध्यान रखना है कि ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ठीक है। अब अगला अपने को चलना है, देखो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, अगला ये मोस्ट एडवर्स कंडीशन पर रहते हैं। अब ये एडवर्स कंडीशन क्या हो सकती है, या तो बहुत ही साल्टी कंडीशन पर, बहुत ही साल्टी हो यानी हेलाइन कंडीशन, तो उसको कहेंगे हम हेलोफिल्स। क्या कहेंगे? हेलोफिल्स, ठीक है। और अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर हो और एसिडिटी हो, ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। फिल्स माने लवर्स, यहाँ पे भी देखो हेलोफिल्स, सब एनसीईआरटी ही रिवीजन चल रहा है। और अगर ऐसी कंडीशन हो जहाँ मीथेन उत्पन्न होती हो, जैसे मैं कहूँ कि रूमेन के कैटल में, सॉरी कैटल्स के रूमेंस में, है ना, उसके कैटल के पाउच में, है ना, ऐसी मान लिया गोबर में हो, है ना, ऐसी कोई मार्शी एरिया हो, है ना, दलदली क्षेत्र हो, अगर उसमें प्रेजेंट हो, तो ऐसी जगहों पर अगर होगी तो वहाँ गैस क्या उत्पन्न होती है, मीथेन। तो ऐसी कंडीशन पर होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं बच्चा, मीथेनोजेंस। क्या कहते हैं? मीथेनोजेंस। तो ये आर्किबैक्टीरिया के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है पक्की। तो अगला देखो, सबसे बड़ी बात ये है आर्किबैक्टीरिया, देखो एनसीईआरटी में तो इतना ही दे रखा है आपका, एक बात ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी, मैंने आपको कहा था कि ये आर्किबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अर्थ में जब ओरिजिन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले डेवलप यही हुए थे। और ये कह रहा है कि आज भी ऐसे जैसे सल्फर वाले झरनों में, गोबर वगैरह गैस में, है ना, तो वहाँ पर ये मिलते हैं। इसका मतलब जहाँ नॉर्मल लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकती, वहाँ पर ही आर्किबैक्टीरिया डेवलप होते हैं। और उसका कारण क्या था, पीछे बताया था 16S RRNA के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कुछ डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस के कारण ये क्या होते हैं, उनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनके कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आ जाता है और उनमें रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्किबैक्टीरिया का हिसाब खत्म, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अब आते हैं, देखो ये यहाँ पर ये लिख रखा है पक्का,
तो ये देख लो आप हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया तो हेलोफिल्स है ना, मार्शी एरिया तो मिथेनोजेंस, ठीक है। और फिर आ जाइएगा यहाँ पे, इसने क्या बोला, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है ना, फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन, है ना। फिर इसने देखो एक एक जो है यूजेस दे दिया इसने कि ये बायोगैस फॉर्मेशन में काम आते हैं, बाकी सब एनसीईआरटी से बाहर है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी तक ही अपने आप को लिमिट रखेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा बारी आती है हमारी यू बैक्टीरिया, और इसमें इनिशियल स्टेज पर है ना, देखो यहाँ तक का मैं कह रही हूँ कि नॉस्टॉक एनाबिना, ये यहाँ तक ये जो पैराग्राफ है ना, ये हमारा है ब्लू ग्रीन एल्गा, यानी कि साइनो बैक्टीरिया के लिए है, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया वो स्पेशल यू बैक्टीरिया होते हैं। पहली बात तो आपको देखो पता है कि मैंने आपको पीछे भी बोल चुकी हूँ कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन उसके मेटाबॉलिक करेक्टर के बेस पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब कुछ प्रोकैरियोटिक ऐसी एल्गा थी जिसमें स्पेशल पिगमेंट मिलता है, जिसमें स्पेशल पिगमेंट कौन, क्लोरोफिल ए, ध्यान रखना ये हायर प्लांट में होता है, और उसके बाद फाइकोसायनिन, जिसे हम लगाते हैं सी फाइकोसायनिन, और सी फाइको इरिथ्रीन, सी फाइको इरिथ्रीन, ये तो देता है बेटा रेड कलर, और ये कलर क्या देता है, ब्लू, ठीक है। तो इसमें जो है ना साइनिन का कंसंट्रेशन, साइनिन का कंसंट्रेशन इरिथ्रीन की तुलना में अधिक होता है, इसलिए कैसे होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, तो ये ब्लू इस कलर के होते हैं। अच्छा ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर जैसे स्पाइरुलिना टाइप है ना, और कॉलोनियल में कौन आता है, नॉस्टॉक एनाबिना, है ना। तो एक डायग्राम पहले अपने डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी समझ में आएगी। ये देखिएगा ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम किसका दे रखा है, अपना नॉस्टॉक का दे रखा है, ठीक है। आप देखो कि इसमें ये देखो ये वास्तव में पर्टिकुलर सेल है इसकी नॉस्टॉक की, और ये एक से एक ऐसे सेल जुड़ती है किसके कारण, क्योंकि इसके चारों तरफ ये जिलेटिनियस सीथिंग मिलती है, ये जिलेटिनियस सीथिंग है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको यहाँ फिलामेंटस बोला है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, कुछ सेल जो होती ना वो स्पेशल, देखो ऐसे देखो इसकी शक्ल देखो आप, इस सेल की किसकी बोल रही, मैं इसकी बोल रही हूँ, यहाँ वाइट दिखेगा नहीं, मैं इसलिए यहाँ बना रही, तो इसकी सेल की शक्ल देखो यहाँ ऐसे इस टाइप की। असल में क्या होता है, बाकी सेल तो नॉर्मल करेक्टर डेवलप करती है, यानी कि वो जो पिगमेंट वगैरह डेवलप करती है, लेकिन इसमें क्या होता है ये ट्रांसपेरेंट सेल हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और इसमें स्पेशल जीन होता है जिसे हम निफ जीन कहते हैं, क्या कहते हैं, निफ जीन कहते हैं, तो नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर जीन कहते हैं, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, यहाँ देखो ये इटेरोसिस नामक विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिर, ये क्या करते हैं, जो एनवायरमेंट की नाइट्रोजन होगी उनको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, समझ में आ गई। तो अब देखिएगा यहाँ तक तो हो गया हमारा काम खत्म, अब देखिएगा अगला, पहले मैं इसको यहाँ पीछे बढ़ाती हूँ, देखो ये क्या कह रहा है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, वो तो यूट्रू बैक्टीरिया है ही है, यू बैक्टीरिया का मतलब ये है ना, द करेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ये अब अगर आप बैक्टीरिया का करेक्टर पढ़ेंगे आप सेल वाले चैप्टर में, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, वो मोटाइल भी हो सकते हैं और फ्लैजिलम भी हो सकता है। मोटाइल अगर होंगे, जैसे देखो ये मैं एक तो ये बैक्टीरिया बनाऊँ, ये वाला बैक्टीरिया बनाऊँ है ना, और एक मैं इस टाइप का बैक्टीरिया बनाऊँ, तो ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, नॉन मोटाइल हो गया, और ये क्या हो गया, मोटाइल बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट है। अब आओ जरा देखो यहाँ से, क्योंकि साइनो बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। तो इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा की एल्गा भी कहते हैं, और इसमें क्लोरोफिल ए सिमिलर, यहाँ ए मतलब ये है, ये ग्रीन प्लांट के जैसा होता है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ये देखो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें जिलेटिनस सीथिंग होती है। अब देखो ये वाला कंसेप्ट, ये दो काम ध्यान रखना है, एक तो देखो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एक तो ये और एक ये, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो तो किसके कारण करते हैं, हेटेरोसिस के कारण। एक वाटर ब्लूम, जल प्रस्फुटन, ये क्या करते हैं, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, तो जहाँ पानी में अगर इन्फेक्शन हो गया ना, तो ये एक्सेस में ग्रोथ करते हैं, और एक्सेस में ग्रोथ करके और एसिड सिक्रीट करते हैं,
और पानी को गंदा कर देंगे और पूरी वाटर की लेयर भर देंगे वाटर रिजर्वायर की, ठीक है। तो वो जो वाटर रिजर्वायर की लेयर पूरी पैक कर दी ना, उसको कहा है वाटर ब्लूम। और इसने सीक्रेट किया, किसने एसिड सीक्रेट किया, पॉइजनस टॉक्सिन सीक्रेट किए, जिसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये वाटर ब्लूम बहुत ही नुकसानदायक है। तो ये क्या हो गया, नॉस्ट्रॉक और एनाबिना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अजय आगे आइएगा, देखो अब ये वाली सेम वही चीज़ है जो मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया, है ना, ये क्या करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं और एटीपी प्रोडक्शन में काम आता है। फिर ये इसने देखो ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग, क्योंकि ये जब तोड़ेंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीकम्पोज करेंगे, इसका मतलब क्या एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी क्या होगी इनके एटीपी में काम आएगी और साथ में क्या हो जाएंगे जो उसके एलिमेंट्स हैं वो सॉइल में रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट बढ़े, देखो ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट। हाँ अब आओ देखो, वो पीछे तक तो था बेटा ऑटोट्रॉफ का वर्ड का लिख रखा था, अब आओ देखो अगला हिटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, पीछे बता चुकी मैं ध्यान रखा। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखना कि मोस्ट अबंडेंट जो होते हैं ना वो हिटेरोट्रॉप्स ही होते हैं, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया का यहाँ से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रखा है। सबसे पहली बात क्या है, दूध से दही बनाने में काम आता है, ठीक है। दूसरा किसके प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम आते हैं। तीसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आते हैं। ये देखो इसका एग्जांपल कौन है बेटा, राइजोबियम लिखा हुआ भी होगा शायद, है ना, ठीक है। अब ये तो थे यूज, ठीक है। अब आओ जरा देखो, ये कह रहा है कुछ बैक्टीरिया सम आर पैथोजन, सम आर पैथोजन कौन कौन से, इसने कहा डैमेज ह्यूमन बींग भी करता है, क्रॉप भी करता है, फार्म एनिमल भी करता है, पेस्ट करता है, जैसे कि कोलेरा टाइफाइड टेटनस और सिट्रस कैंकर। तो कोलेरा, ठीक है, सीटीटी, तो टीसीटी लिख देते हैं, टेटनस कोलेरा और टाइफाइड, है ना, तो टीसीटी, ओके। तो ये तो ये होगा, और सिट्रस कैंकर देखो सबको याद रहता है सीसी वाला, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया अपना ये काम खत्म। ये आते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन है ना तीन टाइप से पॉसिबल है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एनसीईआरटी में इस दोनों को मिलाकर क्या बोला है, एसेक्सुअल। पहले तो बात इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। तो सेक्सुअल का मतलब तो क्या होगा कि दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल की क्या होगी, मिक्सिंग होगी, है ना, और उसी से वेरिएशन डेवलप होगा। तो बैक्टीरिया हालांकि प्रोकैरियोट्स है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल के हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन, है ना, उसको क्या कहते हैं हम, रिकॉम्बिनेशन। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर उसी को कह रखा है। अब आ जाइएगा पहले वेजिटेटिव। वेजिटेटिव किसके द्वारा होता है, ये देखो सामने लिखा रखा है, सब बच्चों को आता है, बाइनरी फिशन, ठीक है। दूसरा एसेक्सुअल क्या करता है, ये कह रहा है एडवर्स कंडीशन में कुछ थिक वाल स्पोर बनाता है। क्या बनाता है, थिक वाल स्पोर। तो देखो प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन, यानी कि ये वाला, ठीक है। फिर देखो कभी कभार विपरीत परिस्थितियों में क्या बनाता है, बीजाणु बनाते हैं, बस उस बीजाणुओं को क्या कहते हैं बेटा, एंडोस्पोर, अंतः बीजाणु, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये पूरी थिक वॉल बना लेंगे और ये साइटोप्लाज्म अंदर स्टोर कर लेंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये थिक वॉल जो है फट जाएगी और बैक्टीरिया बाहर रिलीज हो जाएगा, इसको एंडोस्पोर कहते हैं। और ये देखिएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, है ना। तो इसके तीन मेथड हैं आपको पता है, किसके, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के, है ना, मैं यहाँ लिखती हूँ हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, दूसरा ट्रांसडक्शन, तीसरा कॉन्जुगेशन। तो ये तीन मेथड है। नेक्स्ट चलिएगा अगला, देखो आता है माइकोप्लाज्मा, अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये देखो थ्री लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ध्यान रखना, इसे ये वॉल लेस बैक्टीरिया है और इसीलिए इसको एल फॉर्म बैक्टीरिया भी कहते हैं, एल फॉर्म बैक्टीरिया। इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों और एक और, ठीक है, एक और ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ट्राइलेयर सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या कहलाता है,
जीनोफोर कहलाता है, ठीक है। बाकी ये जो आरएनए भी होते हैं, है ना, 70S क्या होते हैं, जो अपना राइबोसोम भी होते हैं, है ना, ये सब होते हैं उसमें। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये कोशिका भित्ति एक तो नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी सबसे छोटी जीवित कोशिका है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, है ना। आपको वैसे माइकोप्लाज्मा ही याद करना है, पर फिर भी कभी कभी पूछ ही लेते हैं, तो माइकोप्लाज्मा लेड ले वाई, ठीक है। फिर ये ध्यान रखना है, एक बात सबसे बड़ी बात पता है आपको, कि ये हमेशा रोगजनक ही होते हैं, पैथोजेनिक ही होते हैं, है ना। इसमें फ़ायदा कुछ नहीं है, आपने भी देखा बैक्टीरिया में फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें कभी फ़ायदा नहीं होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि यहाँ देखो ये बाउंड्री कहाँ फिक्स हुई इसकी, है ना। इसने देखो ये तो मोनेरा हो गया, ये प्रोटिस्टा, या क्राइसोफाइट्स, या डायनोफ्लैजिलेट, या यूग्लिनॉइड्स, या स्लाइम मोल्ड, या प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, और उसके बाद ये, है ना। तो पहली बात तो देखो, ये मोनेरा था यानी प्रोकैरियोट्स, और ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, उसके बीच में ये क्या हो गई, कनेक्टिंग लिंक हो गई, ठीक है। दूसरा ये जो क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजिलेट है, टू किंगडम में इसको क्या कहते थे, प्लांटी, और यहाँ क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, है ना। ऐसे प्रोटोजोआ है, इसको टू किंगडम में कहते थे एनिमल, और यहाँ क्या कहते हैं, हिटेरोट्रॉपिक या होलोजोइक, क्या कहते हैं, होलोजोइक एनिमल्स। तो इसलिए इसने कहा कि सबसे पहली बात, तो ये तो बात पहले ही हो चुकी कि सभी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। एक साइंटिस्ट उसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहता है, जबकि उसी को जो है दूसरा प्लांटी कहता है, है ना। तो अब इसने कहा कि इस बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबको पता है, कितनी बार बोल चुकी है ये सब, है ना। चलो अब यहाँ से करेक्टर शुरू होता है, ये चीज़ें याद करनी है। क्या सबसे पहले, ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, इसका मतलब लाइफ में कोई ना कोई ऐसी स्टेज जरूर आएगी जिसमें एक्वेटिक रीजन, एक्वेटिक हैबिटेट तो शो करेगा ही करेगा, ठीक है। आ जाओ अगला, ये क्या करते हैं, ये देखो इसमें प्लांट और फंजाई, ये देखो डील का मतलब ये है ना, इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब आ जाइएगा, अब क्योंकि देखो बेटा ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी होंगे, ठीक है। अब आ जाइएगा कि कुछ तो मैं तो फ्लैजिला होती है, कुछ में फ्लैजिला इसीलिए होते हैं, ठीक है। अब ये देखो आगे आ जाएगा, जैसे ये हम पढ़ेंगे ना सब में, तो इसके करेक्टर आ जाएंगे, सबके करेक्टर अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा। अब सेल फ्यूजन का मतलब पता है ना आपको, मेल गैमेट क्रॉस फीमेल गैमेट, इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। ये जनरल करेक्टर है, नेक्स्ट में आ जाएंगे आपके, आगे आइएगा, ये इसकी हिंदी है, इसको करने की जरूरत नहीं है, आगे आओ। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट में देखो दो चीज़ें आती है, एक तो डायटम और एक गोल्डन एल्का, जिसे क्या कहते हैं अपने, डैसमिड कहते हैं, समझ में आ गई। ये देखो ध्यान आपको क्या रखना है, ये फ्रेश वाटर एनिमल है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन वाटर हो सकते हैं, डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। दूसरा ये पैसिवली फ्लो करते हैं, डायटम क्या होते हैं जनरली, देखो ऐसे, जैसे मैं एक डायटम का डायग्राम बनाती हूँ, ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइपोथीका, क्या है, हाइपोथीका, ओफो सॉरी एपिथीका, गलती हो गई, एपिथीका, और ये नीचे वाला क्या है, हाइपोथीका, ये है हाइपोथीका, और ये जो बीच में ओवरलैप हो रहा ना, इसको क्या कहते हैं, गर्डल। बाकी सारा क्या है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। ये देखो ये बनी तो सेलुलोज की होती है, पर ये देखो जहाँ ये मैराइन में प्लांट पानी के साथ साथ इसे फ्लो करते हैं ना, तो जो मिट्टी के कण होते हैं ना, वो यहाँ पे देखो ऐसे 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 चिपक जाएंगे, देखो ये ऐसे ऐसे यूं चिपक जाएंगे, जब यूं चिपक जाएंगे, इसका मतलब ये कैसी लगेगी, सिलिकेटेड सेल वॉल लगेगी, कैसे लगेगी, सिलिकेटेड सेल वॉल। अब जब ये सिलिकेटेड हो गई है ना, तो इसका मतलब क्या, इसको कोई नष्ट तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये हार्ड हो गई है, और हार्ड हो गई खराब होती नहीं है, इसको टूट फूट होती नहीं है, पर मरते तो है ही ना, तो पानी में बह रहे। देखो पैसिवली का मतलब क्या होता है, अगर फ्लैजिला से मूव करें, इसका मतलब अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, है ना,
तब तो वो एक्टिव मूवमेंट होगा, जैसे अभी यूग्लेनॉइड्स पढ़ेंगे, जैसे हम पैरामीशियम सीलिया से चल रहे हैं, डाइनोफ्लैजेलेट फ्लैजिला से चल रहे हैं, तो वो तो एक्टिव मूवमेंट है। लेकिन ये तो कह रहा है पानी का धक्का लग रहा है, इसके साथ ये भी बह रहे हैं, है ना। तो ऐसे को मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चे, पैसिव मूवमेंट कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, चलो जो भी है, ठीक है। तो ये देखो पैसिवली मूवमेंट करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक तो है ही, यूनिसेल्युलर है, है ना। फिर अनडिस्ट्रक्टेबल होगी, और ये वाला मैंने अभी बताया था सॉप बॉक्स की तरह, है ना, ऐसे सॉप बॉक्स की तरह एक के ऊपर चले थे। फिर सिलिका इसमें जमा हो जाता है, फिर ये जब ये मर जाते हैं ना, तो इनका सेल का डिपोजिशन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर होता रहता है, और होता रहता है ना। इसके कारण क्या होते हैं कि करोड़ों साल बाद ये जो जो कंडीशन बन जाती है ना, वो कैसी बन जाती है, जो आइसलैंड वगैरह बने हुए ना, तो डायटमस अर्थ कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, डायटमस अर्थ कहलाते हैं। इसका उपयोग, क्योंकि ये देखो ग्रिटी नेचर ऐसे मिट्टी मिट्टी सा है, तो इसका यूज़ किस में करते हैं, जो इसको पॉलिशिंग में करते हैं एक तो, है ना, इसकी ग्रिटी नेचर है, इसका पथरीला सा प्रवाह नेचर है, तो इसको एक तो पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, एक फिल्टर करने में, किसका, ऑयल और सिरप का फिल्टर करने में करते हैं। और ये आपको याद करना है, क्योंकि डायटम सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहते हैं। क्योंकि यूनिसेल्युलर है ना, तो संख्या में ग्रो होते ही रहते हैं, तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और फोटोसिंथेटिक तो होते ही हैं, तो इसे चीफ प्रोड्यूसर कहलाते हैं। नेक्स्ट, अगला देखो, ये तो हिंदी है इसकी। अब आ जाइएगा डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट में देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, देखो जैसे ये तो हुआ एक, ये सेल ही है बेटा, ये सेल है, इसमें ये ग्रो हो गया, ठीक है। एक तो इसमें फ्लैजिला यूं जाएगी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और एक ट्रांसफर जाएगी, तो फ्लैजिला की कंडीशन क्या हो गई, यूं हो गई, यूं हो गई, मतलब तो ये क्या कहते हैं ऐसे है ना, रोलिंग रिप्स मूवमेंट। वो पिक्चर में होता ना, वो कौन कौन होता है, क्या कहते हैं इसे, विलेन, तो यहाँ शटाक यूँ मारता, देखो ऐसे, देखो यूँ यूँ घुमा के मारता है, तो ये घुमावदार गतियाँ करते हैं, तो ये यूँ 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 चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक एक तो इसके ट्रांसफर है, एक लॉन्गिट्यूड, तो दोनों घूमते हैं, यूँ घूमते हैं, ठीक है। तो हो रही क्या, एक्टिव मूवमेंट है, ध्यान रखना। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये मैराइन है, ठीक है ना, मोस्टली मैराइन है। पीछे क्या थे, फ्रेश वाटर भी थे और मैराइन भी थे, वो भी फोटोसिंथेटिक थे, वो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, पीछे क्राइसोफाइट्स, और ये भी फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। अगली देखो, इस उसका कलर ब्राउन था, ठीक है, लेकिन ये देखो आप एक बार देखो, तो एक बार बीबी येलो ग्रीन से, बीबी येलो ग्रीन से रेड हो गई, रेड हो गई, हो है, ठीक है। देखो बी मतलब ब्राउन, बी मतलब ब्लू, येलो ग्रीन तो दिख ही रहा है, और ये बोला लाल पीली, लाल वो पीली हरी बीबी थी ना, वो लाल हो गई। तो आपको बताइए गुस्सा आता तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये याद करना है, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड किस पर डिपेंड करता है, उसमें पिगमेंट कौन से हैं, ठीक है। तो पिगमेंट कौन से हैं, कितनी मात्रा में, इस पर डिपेंड करेगा कि इसका कलर क्या आता है, ठीक है। और पिगमेंट आपको पता है कौन से होते हैं बेटा, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी प्लस जैंथोफिल, जैंथोफिल, ठीक है। अब पीछे था ना वो जो ब्राउन था, तो उसमें तो था फ्यूकोजैंथिन, और यहाँ देखो स्पेशल होता है डाइनोजैंथिन और डाइनोजैंथिन, ठीक है। तो ये होता है, अब देखो ये मैंने अभी बताया था ना कि एक तो लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक तो ये वन लॉन्गिट्यूडनल अदर इज ट्रांसफरली, बस। अब आइएगा जरा देखो, रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ना, ये देखो इसने कहा वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, तो अभी पीछे आया था ना कलर, इसका एग्जाम्पल कौन है, गॉनियोलेक्स, है ना। तो ये गॉनियोलेक्स क्या होते हैं, आपको पता है ये यूनिसेलुलर है, तो बहुत तेज मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फिशन से, तो ये क्या होते हैं, इतनी संख्या में बन जाते हैं, तो ये जो समुद्र की लहरें चलती है ना, तो ऐसे ऐसे लाल लगती है, ठीक है, ऐसे ऐसे लहरें चल रही है, ऐसे नहीं चलती यूं 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 लहरें ऐसी, तो ये जो लहरें चलती है ना, इन लहरों में ये लाल रंग के दिखते हैं, इसलिए इसको रेड टाइड, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेड टाइड, समझ में आ गई, इस फिनोमिना को रेड टाइड कहते हैं। अब देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, जैसे अपने पीछे वो था ना कौन सा वाटर ब्लूम, है ना, उसमें भी क्या था टॉक्सिन सीक्रेट हो रहे थे, यहाँ पर भी टॉक्सिन सीक्रेट हो रहे हैं, वहाँ पर भी क्या हो रहा था, एनिमल एक्वेटिक एनिमल मर रहे थे, यहाँ पर भी एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं, एक्वेटिक ये क्योंकि मेरा ही नहीं है,
तो मैराइन एनिमल भरेंगे, ठीक है। और इसके साथ एक करेक्टर जो यहाँ नहीं लिखा वो आपको याद करना है, बायोल्यूमिनेंसी, है ना। ये चमकते हैं, इसलिए आपको पता है कि जो है इनको जो ये होता ना क्या कहते हैं, लाइट इन नाइट, लाइट इन नाइट, रात को जो प्रकाश आता है ना वो इसके कारण आता है, ठीक है। और एक और याद करना है इसको, क्योंकि ये जो ना ये इस ये स्टिव सेलुलोजिक प्लेट है, ये क्या है सॉरी, ये दिख रही है आपको, ये कैसी है, सेल्यूलोजिक प्लेट है, ठीक है। इसके कारण देखो, अब ये देखो सेल्यूलोजिक प्लेट यूं हुई तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे शील्ड लगा दिए, ठीक है, शील्ड लगा दिए। तो इसको आर्मोरड कहला है, आर्मोरड एल्गा, यानी कि हिंदी में कहते हैं बख्तरबंद, बख्तरबंद मतलब इसे कवर किया हुआ, ठीक है, आर्मोरड एल्गा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखो, हमें एनसीईआरटी इन वन शॉट है, मतलब हमारा स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि मतलब घंटे भर में नहीं हो जाना चाहिए पूरा, पर फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा ध्यान रखना। अब देखो ये युग्लिना है, युग्लिना क्या होता है, देखो ये यू स्ट्रक्चर हुआ, तो एक स्मॉल फ्लैजिला और एक लार्ज फ्लैजिला, तो ये देखो ये क्या हो गई स्मॉल फ्लैजिला और ये क्या हो गई लार्ज फ्लैजिला। यूकैरियोट्स है, इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें क्या होते हैं जो है क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, इसमें यहाँ क्या होता है आई स्पॉट होता है, यहाँ स्पेशल फूड ग्रेन्यूल को जो है स्टोर करने वाली क्या होती है पैरामाइलम बॉडी होती है, क्या होती है पैरामाइलम बॉडी, ये क्या है बेटा क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है न्यूक्लियस। तो लेबलिंग समझ में आनी चाहिए, यहाँ व्हाइट दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ, समझ में आ गई। तो अब देखो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि रुके हुए जल में मिलते हैं, ध्यान रखना है रुके हुए जल में, रुका हुआ पानी जैसे तालाब वगैरह नहीं होते उसमें मिलते हैं ये, ठीक है, तो रुके हुए साफ पानी में मिलते हैं। दूसरा सेल वॉल नहीं होती है, ध्यान रखना, ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर ये देखो ऐसे फाइब्रस थिकनिंग वाली क्या होती है, ये पेलिकल होती है, क्या होती है पेलिकल, समझ में आ गई। तो ये फोटो अब देखो यहाँ तक तो हो गया काम खत्म, फ्लैजिला एक छोटा एक बड़ा, अब देखो इसकी बड़ी बात क्या है, क्योंकि इसमें ये जो जो क्या कहते हैं इसे क्लोरोप्लास्ट है ना, तो जब लाइट मिलती है, जब लाइट मिलती है सनलाइट मिलती है तब तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और अपना फूड फॉर्मेशन खुद करते हैं, लेकिन जब लाइट नहीं मिलती तो ये हिटेरोट्रॉप्स होते हैं, सबसे बड़ी बात है ये ध्यान रखना। इसलिए ये कैसे कहलाते हैं, मिक्सोट्रॉपिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मिक्सोट्रॉपिक, यानी कि फोटोट्रॉप की जो है देखो यहाँ देखो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हिटेरोट्रॉप्स, और होते कैसे हैं प्रीडेटर, हालांकि सेप्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं पर एनसीईआरटी में प्रीडेटर लिखा है, इसका मतलब हम लोग प्रीडेटर ही याद करेंगे, इसको याद रखेंगे आप हमेशा, ठीक है, तो ये प्रीडेटर। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, युग्लिना, देखो बेटा युग्लिनॉइड का मतलब युग्लिना और उसके जैसे, तो जो युग्लिनॉइड होते हैं ना बेटा वो दो तरह के हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो जो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं ना वो कहलाते हैं व्रिगलर, क्या कहलाते हैं व्रिगलर्स कहलाते हैं, विसर्पी गति करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये जो पेलिकल है ना, ये पेलिकल ये इसको ऐसे 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 देखो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो ये ऐसी गतियाँ कराते हैं, ठीक है, तो इसको हम व्रिगलिंग मूवमेंट कहते हैं, और वे जो कि व्रिगलिंग मूवमेंट शो करते हैं उनको व्रिगलर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारा कौन सा पूरा हो गया युग्लिना। अब आता है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ध्यान रखना अपने को, सबसे बड़ी ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, ठीक है, सेप्रोफाइटिक मैंने डेड ऑर्गेनिक मैटर पर लगेंगे। ये क्या होता है, जैसे मैं ये कहूँगी ये जो है ये लीफ वगैरह ट्विग वगैरह पड़ी है, अब यहाँ पर इन्होंने इन्फेक्शन किया एक स्लाइम मोल्ड ने, आपको पता है ये फॉल्स फंजाई है, केवल सेल मेम्ब्रेन है ये जो स्लाइम मोल्ड है, और इसमें केवल क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है और ये क्या होता है म्यूकस का यानी जिलेटिनियस कवरिंग होती है। अब ये लगातार सेल डिवीजन करेंगे तो ये संख्या में क्या होते हैं ये खूब बढ़ते जाते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आगे तो बढ़ेंगे पर इसके यहाँ वाली जो सेल है ना ये जैसे मैं ये कह रही हूँ कि देखो ये लगातार बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ रहे हैं लगातार, है ना, तो इसके क्या करोगे आप, मैं इधर इधर की तरफ बढ़ता हुआ बोल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा इसमें ये देखो पीछे से ये देखो ये वाली जो कंडीशन है ना ये क्या होगी, ये पूरा का पूरा यहाँ पूरा ऐसे
मिक्स हो जाएगा। मेरे कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिजॉल्व हो जाएगी और अल्टीमेटली ऐसा मास बना देगी। ये कैसा है? एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? सिनोसाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक। ओके, अब सिनोसाइटिक है। अब मैंने कहा कि ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन जो कैसी बोली मैंने अभी, इसको करना है। तो ये जो कंडीशन बनती है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम स्टेज। देखो ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम एक स्टेज होती है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो स्लाइम मोल्ड लगातार बाइनरी फिशन द्वारा आगे कई फिट तक बढ़ते रहते हैं, आगे सेल बढ़ती रहती है और पीछे वाली सेल क्या होती है? मेम्ब्रेन डिजॉल्व होती जाती है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम स्टेज कहलाता है। जो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये रहा, स्प्रेड ओवर सेवरल फीट एग्रीगेटेड मास इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। लेकिन ये कंडीशन किसकी थी बच्चे? फेवरेबल की। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? ये जैसे फ्लोटिंग बॉडी है ना, ये जो प्लाज्मोडियम स्टेज है ना, यहाँ क्या होगा? ये फ्लोटिंग बॉडी डेवलप कर लेगी, ये स्पोरेंजियम बन गई और इसके अंदर स्पोर बन गए, ये देखो स्पोर बन गए और इस स्पोर में क्या होती है? ट्रू वॉल होती है। अब ये क्या होगी, जब वापस कंडीशन होगी तो ये क्या होगी? स्पोरेंजियम तो फट जाएगी, ये स्पोर बाहर रिलीज हो जाएंगे, वापस क्या होंगे? ये डिवाइड होकर ऐसे, ये जो क्या कहते हैं लिटर्स पड़े होते हैं उन लिटर्स पर ये इन्फेक्शन करेंगे और वापस प्लाज्मोडियम। तो मतलब फेवरेबल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम को क्या कहते हैं यहाँ पर? फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। और इस फ्रूटिंग बॉडी में जो स्पोर होते हैं उसी में ट्रू वॉल होती है। और ये जो ट्रू वॉल वाले जो स्पोर होते हैं, ये वाले, ये बेहद जो है रेजिस्टेंट होते हैं और कई सालों तक ये एडवर्स कंडीशन में इसको सुरक्षित रखते हैं। यानी कि ये क्या हो गए? पेरिनेटिंग कंडीशन हो गई। और ये जब फटते हैं तो एयर करंट से ये स्पोर बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि दूर दूर तक ये फैल जाते हैं। अब कुछ बच्चों को देखो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये डिकिंग ट्विग को, लीव्स को इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनगल्फिंग का मतलब क्या हो रहा है भाई? ये सेप्रॉप्स है ना, तो ये एंजाइम को छोड़ेंगे और सोल्यूबल मटेरियल को ये अपने अंदर लेते रहेंगे। क्लियर फंडा? पक्का? श्योर? चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो अगला क्या है? प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन में देखो सबसे पहली बात याद रखनी है आपने को, हिटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, हिटेरोट्रॉप्स हैं और हिटेरोट्रॉप्स में या तो ये प्रेडेटर हैं और या पैरासाइट है। ये तो पीछे टेबल में ही याद कर लिया था। अब देखो इसमें क्या याद करना है, ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये भी अपन ने पहले ही याद कर लिया था। अब इसको मुख्य रूप से चार ग्रुप में डिवाइड किया, मुख्य रूप से है, ध्यान रखना मुख्य रूप से। चलें आगे, अब आइए, इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला ग्रुप है अमीबॉइड प्रोटोजोन। ठीक है, क्या याद रखना है अपने को कि ये इनका कहाँ कहाँ रहते हैं? सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में और फ्रेश वाटर में। या तो फ्रेश वाटर या सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। अब जो मैराइन वाटर में रहते हैं, सी वाटर मतलब मैराइन वाटर में, उनमें आपको ध्यान रखना है उसके ऊपर सिलिका शेल होती है ताकि ये ऑस्मोटिक रिलेशन को मेंटेन कर सके। ओके, अब दूसरी बात, ये क्या करते हैं जो अमीबॉइड हैं, है ना, अमीबा का मतलब क्या हो गया? ये वाली कंडीशन, ये अमीबा है आपको पता है। अब इसके बाद मान लिया फूड ये आया तो ये क्या कर लेगा? देखो ये कंडीशन क्या कर लेगा, ये देखो ये स्यूडोपोडिया डेवलप कर लिया, इसको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, फॉल्स फिट कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं? फॉल्स फिट। तो फॉल्स फिट क्या, इसको मूव करना भी काम आता है और साथ में ये जो फूड है ना ये लेगा, तो ये यहाँ क्या हो गया? फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल चला गया। ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल वापस, अब क्या होगा अगली बार? ये देखो ये यहाँ पर फूड तो अंदर चला गया है ना, और अमीबा वापस आगे सरक गया। तो ये इसीलिए कह रहा है कि ये स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट जो अमीबा में है ये क्या करते हैं? मूव करने में भी काम आते हैं और कैप्चर देयर प्रे दोनों में ही काम आते हैं। अब आपको याद क्या करना है, RTD है ये, रात ये रट डालो कि एंट अमीबा क्या होता है? पैरासाइट होता है। एंट अमीबा कैसा होता है? पैरासाइट होता है। आगे बढ़ो,
अगला फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है ना। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या ये पैरासाइट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, या तो फ्री लिविंग होंगे और या पैरासाइट होंगे। अब पैरासाइट का एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, सबसे बड़ी बात कौन, ट्रिपैनोसोमा, और वो जो अपने को नींद आती है ना, तो ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज देते हैं, ठीक है, सोने वाला निंद्रा रोग, ठीक है। तो ये निंद्रा रोग जो अपने को सबको फैला हुआ है ना, निंद्रालु व्याधि। अब फ्लैजिलेटेड है बेटा, तो पक्की बात ही है ना, आपको क्या करेगा, फ्लैजिला होगा, इसमें कहाँ सोचने की बात है, सोचने की बात ही नहीं है। तो चार चीज़ें याद रखनी है, फ्री लिविंग और पैरासाइट, फ्लैजिला रखते हैं, पैरासाइट होते हैं और स्लीपिंग सिकनेस डिजीज फैलाते हैं, और उसका एग्जाम्पल कौन है, ट्रिपैनोसोमा। बात खत्म। चलो अगला सीलिएटेड प्रोटोजोआ है ना। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, पहली बात तो ये एक्वेटिक होते हैं। अब देखो सीलिएटेड का एग्जाम्पल अपना डायग्राम दे रखा है, वो आपको ज़रूर करना है, डायग्राम इसमें डाला नहीं, चलो मैं बनाती हूँ। देखो अभी देखो दो मिनट में बना दूंगी। जूता, ये जूता बनाओ, धाएँ ता पड़ गया हाँ। तो देखो इसमें क्या होगी, यहाँ पे ये देखो ये गट, ये हो गया साइटोस्टोमा। देखो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम ध्यान रखना, साइटोस्टोमा, ये क्या हो गई एनस, ये क्या हो गई एनस, यहाँ एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस, ये क्या है मैक्रोन्यूक्लियस, क्या है मैक्रोन्यूक्लियस, ये क्या है माइक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस, ये क्या है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो गट, ये कहलाती है गट, या इसी को कहते हैं हम साइटोफेरिंग्स, क्या कहते हैं साइटोफेरिंग्स, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर करेगा, ये कोई क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रीडेटर की तरह, यहाँ इसका डाइजेस्ट होगा और ये यहाँ क्या होगी वापस फूड वैक्यूल बनेगी। तो ये भी क्या है फूड वैक्यूल, जो कि ऐसे देखो ऐसे शक्ल बनाई हुई है ये यूं, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्या होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हो गया पैरामीशियम खत्म। अब इसके साथ साथ देखो यहाँ क्या, ये देखो ये सारे के सारे क्या है ट्राइकोसिस्ट है, यानी जैसे फ्लैजिला का बेसल ग्रेन्यूल होता है ना, वैसे यहाँ ट्राइकोसिस्ट, यहाँ से ही देखो फ्लैजिला निकलते हैं, ये फ्लैजिला पूरे बॉडी सरफेस हो, ये पूरे पर होंगे ध्यान रखना, देखो मैं ब्रफली बना रही, ये पूरे बॉडी पर ऐसे फ्लैजिला, यूँ देखो ये पूरा का पूरा बॉडी पर ये फ्लैजिला, ये देखो ये दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है, ये पैरामीशियम हो गया। अब क्या होगा, ये देखो अभी बोला था अपने एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, तो ये पानी में बह रहे हैं ना, बहने के साथ पानी में जो फूड बनावा होगा ना, बनावा का मतलब पानी में मिक्स होया हुआ होगा, वो क्या करते हैं, ये सीलिया देखो ऐसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, फ्लैजिला हमेशा यूँ चलते हैं और सीलिया यूँ 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 एक साथ चलेंगे, लेते लेते एलिमेंट्री कैनाल में डाल देते हैं। तो ये देखो ये यूँ, ठीक है, तो चलने में भी काम आ रहे हैं और फूड को डालने में भी काम आ रहे हैं, समझ में आ गई। तो ये गलेट कैविटी होती है, ओपन आउटसाइड द सेल, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं कौन, सीलिया जो रो में पूरे में लगे रहते हैं, और स्टीयर्ड इन गलट, कौन, जो वाटर लेडन फूड होता है उसको उसमें डाल देते हैं। तो डायग्राम यहाँ पे डाला नहीं था, ये डायग्राम समझ में आ गया आपको। अब ये देखो मैक्रोन्यूक्लियस है ना, ये तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, यानी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक्टिविटी का रेगुलेशन करेगा, और ये इसकी जेनेटिक रेगुलेट कर रहा है, याद रखना है, जेनेटिक रेगुलेट कौन करता है मैक्रो, और फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक कौन करता है, जेनेटिक तो माइक्रो और मेटाबॉलिक क्या करता है मैक्रो, बड़ा वाला। चलो आगे, अब स्पोरोजोवन सबसे बड़ा आपको पता है कौन, प्लाज्मोडियम, सबसे शानदार एग्जाम्पल, ये एक प्लाज्मोडियम है, ये कैसा होता है कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, इसका मतलब दो होस्ट की ज़रूरत होती है, दो होस्ट की, कौन, ह्यूमन में कहाँ होता है, लीवर सेल में जो है, लीवर सेल में भी कौन से, RBC में होता है, ठीक है, और दूसरा होस्ट कौन है, फीमेल एनाफेलिस की एलिमेंट्री केनाल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये स्पोरोजोवन प्रोसेस करता है, यहाँ पे भी स्पोरोलेशन प्रोसेस करता है, इतना अपने सिलेबस में नहीं, हम इतना याद रखेंगे जरूर, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम ये साफ साफ कह रहा है कि इन्फेक्शियस स्टेज क्या है, स्पोर लाइक, तो स्पोरोलेशन दोनों में होती है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो यहाँ साइजोगोनी या स्पोरोगोनी, ये पूरा मैं लिखना ही नहीं हूँ, साइजोगोनी स्पोरोगोनी या मीरो जॉइंट्स डेवलप होते हैं, तो यहाँ से इन्फेक्शन जब छूटेगा तो वापस ह्यूमन में वापस मच्छर आएगा, तो फिर वापस मच्छर, तो ऐसे ये कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल। तो अब देखो इसने कहा कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, मतलब एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करना, सबसे ज़्यादा बदमाश आदमी है ये, क्यों? क्योंकि ये मलेरिया फैलाता है, और मलेरिया के कारण क्या होगी, जो ह्यूमन पॉपुलेशन को इसने बहुत गंदा, क्या कह सकती हूँ, आघात पहुँचाया है ना, तो बहुत नुकसान पहुँचाया है, याद हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन? प्लाज्मोडियम, पक्का याद, इतना ही याद करना है अपने को। ठीक, आगे बढ़ते हैं फंजाई। अब देखो फंजाई एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है, ठीक है, तो अच्छे से याद करेंगे आप। बढ़ते हैं हम फंजाई की तरफ। फंजाई में देखो सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि एक यूनिट किंगडम है जो हिटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का है, समझ में आ गई। इसकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। अब देखो मॉर्फोलॉजी में क्या, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चर है ना। देखो एक जो ये क्या होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हाइफा। एक को हम हाइफा कहते हैं, और ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल में क्या हो जाएगा, हाइफी। ठीक है, और ये हाइफी जो होते हैं ना, ये ऐसे जाल के रूप में लगे रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। ठीक है, ये हाइफा यानी कि हाइफा जो है, ये दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है कि इसमें सेप्टा नहीं हो, तो ये एसेप्टेड भी हो सकते हैं, है ना, और ये सेप्टा हो भी सकता है, तो ये सेप्टेड भी हो सकते हैं। एसेप्टेड मतलब क्या हो गया, ऐसी कंडीशन जो मैं यहाँ बनाऊँ, तो खाली होलो ट्यूब है जिसमें न्यूक्लियस चल रहा है, साइटोप्लाज्म चल रहा है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएट, क्या कहते हैं, एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएट, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन, समझ में आ गई। सेप्टा का मतलब क्या हो गया, ये देखो ये कंडीशन, ये ऐसे 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 ये सेप्टा बन जाना, तो ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लियट सेप्टेड, और ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लियट तो है बट एसेप्टेड है। ठीक है, यानी कि कैरियोगाइनेसिस हो गया पर साइटोगाइनेसिस नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन किस में होती है, फाइकोमाइसिटीज में, और ऐसी कंडीशन किस में होती है, एस्को बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, क्लियर। तो अब पहली बात तो डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ में आ गया। अब देखो हैबिटेट का मतलब क्या हो गया, ये पानी में भी रह सकती है, मॉइस्ट सोले में भी रह सकती है, रोटी पर भी होती है, अचार पर भी होती है, लकड़ी के लट्ठों पर भी होती है, गोबर में भी होती है, इसका मतलब कॉस्मोपोलिटन। तो हैबिटेट मैंने कहाँ कहाँ रह पाती है, तो ये बहुत सारी वेरियस जगह हैं जहाँ पर ये जो है सर्वाइव करती है, तो इसलिए हैबिटेट में भी वेरिएशन होता है और ऐसे भी रहता है। अब देखो हैबिटेट के कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं, कुछ उदाहरण ध्यान रखना, कैसे, इसने कहा सीन एज मॉइस्ट ब्रेड, ठीक है, रोटन फ्रूट, समझ में आ रही है। अब इसने कुछ बताया कि भाई कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे इसने कहा कॉमन मशरूम जो है वो तुम खाते हो जो, उसको मशरूम बोला। टोड स्टूल का मतलब क्या होता है, पॉइजनस फंजाई कहलाती है, ठीक है, ये भी फंजाई है वो कह रहा है। ऐसे ही वो कहता है वाइट रस्ट जो इस सरसों की पत्तियों पे देते हो, क्या होता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, है ना, तो ये स्पॉट जो दिखते हैं ना, ये देखो ऐसे ऐसे स्पॉट कोनिडिया के होते हैं, तो वो भी क्या है, फंजाई ही है, तो ये पैरासाइटिक फंजाई। इसका मतलब देखो अगर मैं ये कहूँ ये है ना, ये क्या हो गई, सेप्रोट्रॉप्स हो गई, सेप्रोफाइटिक फंजाई हो गई, और ये क्या हो गई, पैरासाइटिक हो गई, समझ में आ गई। तो इसने हैबिटेट की कुछ बातें यहाँ लिख दी है, मैं एनसीईआरटी को ही चला रही हूँ, तो आप सीधा एनसीईआरटी रखें और बार बार इसको सुन के याद करें, ठीक है। तो ये सेप्रोट्रॉप्स हो गए और ये क्या हो गए, पैरासाइट हो गए। अब आ जाओ यहाँ से देखो इसने मॉर्फोलॉजी लिखी है, यहाँ से मॉर्फोलॉजी लिखी है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है जैसे यीस्ट, तो ये एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर इसका करेक्टर है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये काम क्या आती है, ब्रेड और बियर बनाने में काम आती है यीस्ट, जिसे सैकेरोमाइसिस सेरेबेसिस कहते हैं। 12th क्लास के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इसका पूरा डिटेल वर्णन मिलेगा,
तो ब्रेड और बियर बनाते हैं। फिर ये कह रहा है कुछ फंजाई जो है डिजीज भी करती है प्लांट में, एक तो अपन ने बोल ही दिया है कौन, वाइट रस्ट और क्रूसीफेरी, है ना। ऐसे ही इसने क्या बोला कि देखो प्लांट और एनिमल दोनों में ध्यान रखना, क्योंकि अपने पे भी फंजाई लगती है, आपको पता है किरेटोफिलिक फंजाई, है ना। ऐसे ही इसने देखो वीट रस्ट है ना जो है पक्सीनिया से फैलता है, ये भी एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही देखो इसने कहा, देखो यहाँ तक तो क्या हो रहा था, इसने डिजीज या मैं ये कहूँ कि हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब हम करते हैं तो हार्मफुल एक्टिविटी भी करते हैं और बेनिफिशियल भी करते हैं, ये सारा हार्मफुल का हिसाब था, समझ आ गई। डिजीज का बता दिया इसने, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी और रस्ट ऑफ वीट बता दिया है। अब आ जाओ इसने कहा कि एक कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक भी बनाते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल इसने क्या बोला, पेनिसिलिन। आ जाओ यहाँ तक खत्म हो गया है, पक्का याद हो जाएगा। क्या याद करना है, यूनिक किंगडम ऑफ एटरोट्रॉपिक, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में डाइवर्सिटी है, मॉर्फोलॉजी एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लियेट भी हो सकते हैं, सेप्टेट जो है मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, फिर ये ब्रेड पर भी लग सकती है, रॉटन फूड पर भी लग सकती है, मशरूम भी फंजाई है, टोडस्टूल भी फंजाई है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी ये पैरासाइटिक होती है, फिर कुछ यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट होती है, ये ब्रेड और बियर बनाने में काम आती है, प्लांट और एनिमल पर डिजीज फैलाती है, जैसे एक एग्जाम्पल रस्ट कॉजिंग वीट पर रस्ट फैलाने वाली पक्सीनिया। ऐसे ही कुछ एंटीबायोटिक के सोर्स भी हैं जैसे पेनिसिलियम, बिल्कुल एनसीईआरटी रट रट और रट। आ जाओ अगला, यहाँ से पॉइंट अलग, फंजाई जो है वो कह रहा, देखो मैं पीछे भी बोली थी याद कर लो, कॉस्मोपोलिटन है, पीछे बात हो चुकी थी हमारी, अकर इन एयर वाटर सॉयल ऑन एनिमल एंड प्लांट, है ना। अब देखो ये बात आपको याद रखनी है, ये वार्म एंड ह्यूमिड हैबिट में ना, नम और गर्म, हॉट एंड ह्यूमिड, नम और गर्म, रिदम से याद कर लोगे, है ना। अब ये एक इंटरेस्ट क्वेश्चन आया है, क्या आया कि भाई अपने जो है ना वो रेफ्रिजरेटर में फूड क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस करके इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए हम सब्जी अचार, है ना, सब फ्रूट व्रूट हम फ्रिज में रखते हैं ना, ताकि इसमें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब देखो ये तो इसकी हिंदी थी इसलिए इसको तो आगे समझ में आ गया सबको। अब आता है देखो, अपन ने देखो पीछे याद किया था कि वास्तव में जो कहाँ गया इसमें, हाँ ठीक है, जनरल कैरेक्टर ही चल रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, फंजाई वैसे तो फिलामेंटस होती है, पीछे बनाया था, लेकिन यीस्ट क्या है, एक कोशिकीय है, इसका मतलब ये क्या अपवाद है, पीछे बात हो चुकी है इसे टाइम नहीं खराब करेंगे। अब देखो इसकी जो एक को हम क्या कहते हैं, हाइफा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफा क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है, है ना। मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक हाइफा, देखो ये सब वो है जो अपन ने कर लिया। और क्या हो सकता है, देखो क्रॉस वाल या सेप्टेट, है ना, इसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन, ये इसको क्रॉस वाल बोला या सेप्टेट का है। आगे बढ़े चलते हम आगे। अब देखो हिटेरोट्रॉपिक, है ना, अभी पीछे बात हुई थी ना कि ये नेचर में भी हिटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं। अब हिटेरोट्रॉप में देखो एक बात ध्यान रखना है अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्टली ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं और ये एब्जॉर्ब किसको करते हैं, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को, क्योंकि ये ना एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं, एंजाइम बाहर छोड़ेंगे फिर सोल्यूबल फूड को अंदर लेंगे, तो ये एब्जॉर्प्टिव टाइप के हिटेरोट्रॉप्स हैं, तो एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड सबस्ट्रेट, है ना, हेंस कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स, और डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल तो ये क्या कहलाएंगे, पैरासाइट, पीछे बात हो चुकी है सारी की सारी। दे कैन आल्सो लिव ऑन सिम्बायंट, ये एग्जाम्पल अभी तक नहीं आया था। तो देखो इसने तीन नेचर बताया बेटा, कौन सा, पहला इसने बोला सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, दूसरा इसने बोला पैरासाइट हो सकते हैं, और तीसरा इसने क्या बोला, सिम्बायंट हो सकते हैं, ठीक है। सिम्बायंट कौन सा, सबसे शानदार एग्जाम्पल लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन किसका है, एल्गी प्लस फंजाई, माइकोराइजा डिटेल बाद में आएगा, पाइनस की रूट प्लस फंजाई, है ना, तो पाइनस की रूट है ना उस पर ये देखो फंजाई यूं लग जाती है, ये फंजाई है बेटा ध्यान रखना, है ना, तो ये फंजाई का क्या है, माइसीलियम। तो ये तो क्या करता है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके और उसको किसको देता है, प्लांट को, और ये क्या है, रूट ऑफ किसकी, पाइनस, जिम्नोस्पर्म में आता है ये, इसको क्या कहते हैं, सुगर और नाइट्रोजिनस कंपाउंड देता है, ठीक है, समझ में आ गई, पक्का, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिप्रोडक्शन इन फंजाई, देखो रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से हो सकता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी,
ठीक है, और सेक्सुअल भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव तीन टाइप से, बाइनरी फिशन, ठीक है, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिशन पीछे बता चुके थे हम, सिंपल क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, एक यूनिसेलुलर है, क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन होगा और ये दो भागों में बट गए, बाइनरी फिशन। बडिंग किस में होती है, यीस्ट में, ये देखो ऐसे, ये बट टूटकर प्लांट जो मेन प्लांट से लगी रहती है और सेपरेट होती होती है, ये बडिंग सबको आता है, ज़्यादा डिटेल नहीं करें। फ्रेगमेंटेशन हमेशा किस में होता है, फिलामेंटस में होता है। तो ये जो ये देखो ये फिलामेंट है, ये किसी भी कारण से कई भागों में टूट गया तो हर भाग क्या कहलाया, फ्रेगमेंट कहलाया, और ये डिवाइड और रिडिवाइड होकर क्या कर देगा, क्या कर देगा, नया माइसिलियम तैयार कर देगा। अब आता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होते हैं, एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर, और ये दोनों क्या हैं बच्चे, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। और तीसरा इधर लिख रही हूं मैं, कोनिडिया, ठीक है, तो कोनिडिया, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। अब आता है कि ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद करना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये कह रहा है कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल, यहाँ देखो इसमें पीछे लिख रखा है, जाइगोट फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, गैमेट के फ्यूजन से होता है। तो अब देखो ये तो अपने को याद करना है, यहाँ डिटेल वन शॉट वाले में डिटेल नहीं होता, हमें रिवाइज करना होता है। तो अब समझ में आ गई आपको, देखो ये क्या कह रहा है, वेजिटेटिव मीन्स क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, फीसन और बडिंग, खत्म। एसेक्सुअल क्या होगा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, देखो अभी लाइफ साइकिल बनेगी तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये जो स्पोर है ना, जैसे इसने बोला ना एक फ्रूटिंग बॉडी, ये देखो जैसे मैं एक फ्रूटिंग बॉडी बनाती हूँ, ये देखो मशरूम वाली है ना, तो यहाँ से ये देखो ये ऐसे गिल निकलते हैं, यहाँ से ये बेसिडियोस्पोर, देखो ये ऐसे ऐसे, तो ये क्या कहलाती है, बेसिडियो माइसिटीज की है, तो बेसिडियो कार्प कहलाती है ना। ऐसे में अगर एक पेजाइजा की बनाती हूँ, देखो ऐसे ये पेजाइजा की कप फंजाई, ये एस्कस है, देखो ये एस्कस है, बिल्कुल रफ बनाया है, देखो ये एस्कोस्पोर, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो या तो चार होते हैं या आठ होते हैं। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, एस्कस, ठीक है, और इसका प्लूरल क्या होगा, एसआई, और ये पूरा क्या कहलाता है, ये फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार, क्या कहलाता है, एस्को, और बेसिडियो माइसिटीज में क्या कहलाता है, बेसिडियोकार। तो ये कह रहा है कि ये जो ये स्पोर बन रहे हैं ना, सेक्सुअल स्पोर, ठीक है, वो स्पोर तो फाइकोमाइसिटीज में बनता है, ये एस्कोमाइसिटीज में और ये बेसिडियोमाइसिटीज में, ये अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर में बनता है, जैसे फ्रूटिंग बॉडी, तो ये फ्रूटिंग बॉडी है, समझ में आ गए, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, ये इसकी हिंदी है और कोई फर्क नहीं है। अब देखो अभी पीछे देखो अपने ये जो आया था है ना, तो इसका देखो आगे बढ़ते हैं हम, ये जो दे रखा है कि लाइफ साइकिल को हम तीन फेजेज में, तीन सोपान में पढ़ते हैं। देखो मेन बॉडी होती है वो एन हैप्लॉइड, इसमें क्या होगी, प्लाज्मोगैमी, क्योंकि प्लाज्मोगैमी किसके बीच में होगी, एन मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, इसमें प्लाज्मोगैमी होगी। तो देखो एन प्लस एन, ये क्या होगी, डाइकैरियन फेज, क्या होगी, डाइकैरियन फेज, इस डाइकैरियन फेज में क्या होगी, कैरियोगैमी होगी, तो क्या बनेगा, सिनकैरियन, क्या बनेगा, सिनकैरियन, और इसमें क्या होगी, मियोसिस, और उससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर, और ये जर्मिनेट होगी, तो होगा। देखो अब तीन चीज़ें हुई, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, और मियोसिस, तो तीन यहाँ पे प्रोसेस हुई है ना, तीन स्टेप, समझ में आ रही, दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के प्लाज्मा का फ्यूजन, प्लाज्मोगैमी, इससे डेवलप हुई एन प्लस एन डाइकैरियन फेज, डाइकैरियन फेज में न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी, उसके मियोस 2n बना तो मियोसिस हुआ, तो मियोसिस से क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर, जर्मिनेट हुए, नेक्स्ट बन गए। तो ये तीन स्टेप का मतलब समझ गए, और तीन फेजेस कौन, n, n प्लस n और 2n, तो ये हैप्लॉइड, ये डाइकैरियन फेज और ये डिप्लॉइड, क्लियर। तो इसमें इससे तो डेवलप होता है n प्लस n,
इससे डेवलप होता है 2n। और देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये तो करता है n को n प्लस n में, और ये करता है n प्लस n को 2n में, और ये करता है 2n को n में। तो कन्वर्ट समझ में आ गया पक्का। अब देखो नेक्स्ट एक बात आती है कि यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये तो मैं वो जो समझाई हूँ वही चीज़ है, सेम है ना। यहाँ पे देखो आप मेंबर ऑफ आई को नहीं, इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैप्लॉइड स्पोर, हाँ यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह पर देखो क्या कह रहा है पता है आपको, ये कह रहा है कि जैसे n है ना, इससे जो n प्लस n बनी ठीक है, उसके बाद ये 2n बनी ठीक है, और उसके बाद ये वापस n बनी। तो जो फाइकोमाइसिटीज है ना, देखो प्लाज्मोगेमी तो दोनों में होगी, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात कहां पर आती है, रुक कर यहां और यहां। तो फाइकोमाइसिटीज है ना, उसमें तो क्या होती है, प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो जाती है। तो ये क्या बन जाता है, सिनकैरियन, जिसे यहां क्या कहते हैं, ऊस्पोर। तो ये सेक्सुअल स्पोर बन गया ठीक है। ये क्या हुआ था, देखो इधर देखो, दो कंपेटेबल इन सम फंजाई, ये कौन है, फाइकोमाइसिटीज ठीक है। इसमें फ्यूजन से दो हैप्लॉइड सेल में इमीडिएट रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो इमीडिएट कैरियोगेमी होती है तो डिप्लॉइड बन जाता है ठीक है, ये होता है इसका रेस्टिंग स्पोर ठीक है। और उसमें फिर क्या होगा, मियोसिस, यहाँ क्या होगा, मियोसिस, तो उससे बनेंगे एन, समझ में आई। ये तो था फाइकोमाइसिटीज में, लेकिन एस्को और ये देखो, यहाँ देखो आप एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें पता क्या होता है, एन से प्लाज्मोगेमी होकर एन प्लस एन बनेगी, लेकिन इससे फिर माइसीलियम बनेगा ठीक है। जैसे मैंने पीछे फ्रूटिंग बॉडी बनाई थी, देखो ये यहाँ बेसिडियोस्पोर है, ये देखो सीधा क्या हुई, सोमेटोगेमी में, ये सोमेटोगेमी यानी प्लाज्मोगेमी, इससे अब ये माइसीलियम बनेंगे नहीं, सारे के सारे एन एन है ना, सारे के सारे एन एन वाले होंगे, मतलब कि सब डाइकेरियन फेज वाले ऐसे। तो ये जो पहले वाले थे ना, जो ऐसे थे, इसको कहते हैं प्राइमरी माइसीलियम, और ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम। इससे ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, और इनमें से कुछ हाइफा नीचे आएंगे, और उसमें क्या होगा, कैरियोगेमी, और फिर हाथों हाथ क्या होगा, मियोसिस, और उससे ये क्या बनेंगे, स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर ठीक है। तो एस्को और बेसिडियम है, यहाँ एक इंटरवेनिंग यानी मध्यस्थ अवस्था आती है, जिसको हम डाइकैरियोफेज कहते हैं, वो इस पूरी बॉडी को बनाती है। फिर उसमें क्या होती है, कुछ हाइफा में क्या होती है, कैरियोगेमी होती है, और कैरियोगेमी के बाद 2n बनता है, और उसके हाथों हाथ बाद मियोसिस हो जाती है, फिर उससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, वापस वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। तो ये बात देखो, ये इमीडिएट तो इसमें हो गया, फिर इन अदर एस्कोमाइसिटी इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक फेज, टू न्यूक्लियाई पर सेल है ना, सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन फेज ठीक है। कॉल्ड एज डाइकैरियन फंगाई लेटर, यानी बाद वाले, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड, ये कैरियोगेमी की बात कर रहा है ठीक है। फिर द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी विच रिप्रोडक्शन अकर, सॉरी रिडक्शन डिवीजन अकर, यानी मियोसिस अकर ठीक है, और लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, यानी क्या कहूँ मैं, एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर, क्लियर पक्की है ना। चलो मैं आगे, अब देखो अगला, ये पूरी, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है अपना, वास्तव में ये है एक्चुअल में क्लासिफिकेशन, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। आपने पिछले वाले देखो, इसमें देखा था आपने स्लाइड में देखा था, क्या देखा था कि जो क्लासिफिकेशन है ना इसका, देखो विभिन्न वर्गों में बांटना क्या था, कवक जाल की आकार की बीजाणु का बनना और फलन काय का बनना। इसका मतलब मैं अगर कहूँगी कि क्लासिफिकेशन के मेन बेस कौन रहे, तो उसमें ये होगा टाइप ऑफ माइसीलियम, फिर हैबिटेट तो आएंगे, स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ठीक है। तो आप देखो ध्यान रखना, अब देखो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फाइकोमाइसिटीज भाई क्लासिफिकेशन में कौन से मेन जो है चार क्लासेज रखी गई, मेन बोल रही हूँ कौन सी, फाइकोमाइसिटीज है ना, एस्कोमाइसिटीज,
बेसिडियो मायोसिटीज और ड्यूटेरो मायोसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई। क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई। एस्को को क्या कहते हैं? सैक फंजाई, है ना। फिर बेसिडियो को क्या कहते हैं? क्लब फंजाई, ठीक है। और ड्यूटेरो को क्या मतलब कहते हैं? इम्परफेक्टाई, है ना, फंजाई इम्परफेक्टाई। अब क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, या इनके करेक्टर क्या हैं, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, तो इसके लिए हम टेबल से याद करेंगे, क्योंकि हमने जनरल करेक्टर तो पीछे कर लिए हैं सारे। अब जनरल करेक्टर आ गए, इसका मतलब आपने क्या देखा जनरल करेक्टर में, या तो उसका हैबिटेट देखा, हैबिटेट देखा, या उसका मॉर्फोलॉजी यानी कि माइसीलियम का पैटर्न कौन सा है, या फिर उसको देखा रिप्रोडक्शन कैसा है, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, या फिर वो किन किन के द्वारा होता है, ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन के द्वारा होता है, फिर उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर मैं ये कहूँ कि एग्जाम्पल कौन कौन से है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जब अपने को जनरल सारा पता है तो फिर इसकी ही मैंने टेबल बना दी है, और वो आप उस टेबल से याद करेंगे, और वो सारी की सारी टेबल एनसीईआरटी है। तो देखो अपने अपने टेबल करते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, आते हैं अपने ग्रुप कौन सा, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर। फाइकोमाइसिटीज को अभी बोला था एल्गल फंजाई। अब क्यों कहते हैं एल्गल फंजाई, देखो आप जरा गौर करेंगे। देखो यहाँ पे हम एक बार कलर चेंज कर लेते हैं अपना, ठीक है। आपने देखा यहाँ एक्वेटिक नेचर है ना, एक्वेटिक नेचर बताओ किसका होता है, एल्गी का होता है। समझ में आ गए, एक्वेटिक नेचर जनरली एल्गी का होता है। ऐसे ही आओ देखो आगे, देखो ये देखो जूस्पोर है ना, जूस्पोर किसका करेक्टर है, किसका है, एल्गी का। तो जहाँ जल है वहाँ चल है। आप देखो जनरली देखोगे कि जहाँ जहाँ जल है वहाँ चल है, मतलब जिसकी एक्वेटिक नेचर है वहाँ चल जरूर होगे, है ना। तो जहाँ पानी काम आएगा वहाँ चलने वाले फ्लैजिलेटेड करेक्टर जरूर होंगे, ठीक है। तो आप देखो ये क्या कह रहा है, एक्वेटिक नेचर और ये जूस्पोर, ये किसके नेचर है, एल्गी के, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं, ठीक है। अब इसको सैक फंजाई, क्योंकि इसकी देखो आगे फ्रूटिंग बॉडी बनाऊंगी। देखो मैं एक छोटा सा फ्रूटिंग बॉडी जैसे पैजाइजा का बनाती हूँ, इसकी फ्रूटिंग बॉडी में देखो ये एस्कस है, एस्कस, ठीक है, इसमें एस्कोस्पोर है, ये एस्कोस्पोर है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एस्कोस्पोर की संख्या कितनी होती है बच्चा, या तो चार होती है या आठ होती है। तो ये इसके सेक्सुअल स्पोर है, और इनका प्लूरल क्या कहेंगे, एसआई, और ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी है, इसको क्या कहेंगे, एस्कोकार्प, ठीक है। तो ये देखो इसकी संरचना, देखो मेरे कहने का मतलब थैले जैसी है, ऐसा लग रहा है कि एक थैला है इसमें एस्कोस्पोर डाले हुए, तो इसलिए क्या बोला इसको, सैक फंजाई, ठीक है। इसकी फ्रूटिंग बॉडी देखोगे ना तो देखो ये ऐसे गुमदाकार है, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे गिल बनते हैं, इसे गिल फंजाई का एग्जाम्पल इसमें आता है, और यहाँ पे देखो ऐसे बेसिडियम बना और ये बेसिडियो स्पोर बने, ये देखो बेसिडियो स्पोर। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी इसको क्या कहेंगे, क्योंकि बेसिडियो माइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी है तो बेसिडियो कार्प कहेंगे। बेसिडियो कार्प पर क्या लगते हैं, बेसिडियम, बेसिडियम पर क्या लगते हैं, बेसिडियो स्पोर, तो बेसिडियो कार्प। फिर ये देखो ये बेसिडियम और ये क्या, ये जो गोल गोल है ये बेसिडियो स्पोर, तो सेक्सुअल स्पोर इसके क्या हो गए, बेसिडियो स्पोर, ठीक है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, अभी बताती हूँ मैं, एक बार बात करती हूँ। तो सैक फंजाई क्यों कहते हैं, और क्लब फंजाई क्यों कहते हैं, एल्गल फंजाई क्यों कहते हैं। अब आओ इसको इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं। एक्चुअल में क्या होती है, जो सेक्सुअल स्टेज होती है ना उसको परफेक्ट स्टेज कहते हैं। तो इसमें क्या है, केवल और केवल वेजिटेटिव या एसेक्सुअल स्टेज ही ज्ञात है। तो जिस फंजाई की केवल वेजिटेटिव या एसेक्सुअल स्टेज ही ज्ञात होती है उसे हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, समझ में आ गई। और इसकी इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल ज्ञात है, इसलिए इसको कई बार इनकम्प्लीट फंजाई भी कहते हैं। और असल में क्या है, ये एक टेम्परेरी ग्रुप है ड्यूटेरोमाइसिटीज। सही में ग्रुप तो कौन है, फाइको, एस्को और बेसिडियो, ये तो एक टेम्परेरी व्यवस्था है। एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है, नोन नहीं है, ध्यान रखना, एब्सेंट नहीं बोल सकते। अगर नोन नहीं लिखा हुआ ही हो ना तब तो पहला आंसर ये, और अगर वो नहीं लिख कर लिख देता है कि भाई क्या कह सकती है, एब्सेंट, तो हमारा सेकंड ऑप्शन का आंसर हो जाता है। तो अननोन है, तो जब तक अननोन है तब तक तो यहाँ रखेंगे। जैसे ही सेक्सुअल लाइफ साइकिल ज्ञात हो गई या उसमें लिंकेज समझ में आ गया,
तो उसको अपने उससे रिलेटेड ग्रुप, चाहे बेसिडियो के करेक्टर है तो बेसिडियो में, और अगर एस्को के करेक्टर है तो एस्को में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए इसको एक और नाम दिया गया, क्या दिया गया, डस्ट बीन ऑफ फंजाई। क्या कहते हैं, डस्ट बीन ऑफ फंजाई भी कहते हैं। क्लियर फंडा, तो पहली लाइन क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ आता है सबसे पहले हैबिटेट क्या है। अब आप याद करने की चीज़ें हैं, देखो इसमें बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से याद करो। हैबिटेट मैंने कहाँ कहाँ रह सकते हैं, क्या क्या बोला इसने, या तो एक्वेटिक, या डीकेइंग वुड, या मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस, या ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे कौन, एल्बुगो रहता है ना, आपको पता है एल्बुगो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, मस्टर्ड की लीफ पर, है ना। वो कौन फैलाता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, पीछे आएगा आपके डिटेल में। तो ये हर एक करेक्टर है इसके, जबकि ये क्या होते हैं, या तो सेप्रोफाइट्स हैं या डीकम्पोजर है, और या पैरासाइट है। तो या तो सेप्रोफाइट या डीकम्पोजर या पैरासाइट या कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस माने जो गोबर पर ग्रो करती है उसको कॉप्रोफिलस कहते हैं। इसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल कौन है बाबा, पेजाइजा, ठीक है, पेजाइजा, जिसका मैंने ये कप फंजाई कहते हैं उसे, ऐसा कप की तरह उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है। तो ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, ये तो इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। अब बेसिडियोमाइसिटीज में ग्रो इन सॉयल और ऑन लॉग, इस बात को बहुत ज्यादा गौर करेंगे आप, इन सॉयल और ऑन लॉग, और ऑन किस पर, ऑन ट्री स्टम्प ठूंठ पर, या फिर लिविंग बॉडी में क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। जैसे रस्ट, रस्ट कौन फैलाता है, थोड़ा नीचे आ जाएगा, आने दो, कोई बात नहीं। रस्ट कौन फैलाता है, पक्सीनिया, कौन फैलाता है, पक्सीनिया। और स्मट कौन फैलाता है, अस्टीलेगो, ठीक है। पक्सीनिया किस पर फैलाता है, वीट पर फैलाता है, ठीक है, और ये बाजरा पर भी फैलाता है और वीट पर भी फैलाता है, ठीक है। रस्ट माने क्या होता है, पाउडर होता है। रस्ट क्या होता है, कोनिडियोस्पोर का पाउडर, ऐसे पाउडर की तरह बाहर रिलीज होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, ये देखो ओवरी में क्या होगा, जहां सीड बनना है ना वहां पर ये इसका मास बन जाएगा। तो ये जो बनता है ना, ये एक्चुअल में क्या है, स्मट है। तो ये स्मट का मतलब समझ में आ गया, पक्की बात है ना। तो स्मट और रस्ट, रस्ट पाउडर होता है, जैसे यहां पर भी वो क्या फैलाएगा, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। तो यहाँ पे भी कोनिडिया का रस्ट बनता है, ठीक है, हो गया समझ में आ गई। अब देखो ये क्या है, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। अब देखो सेप्रोफाइट्स में भी स्पेशल कैटेगरी कौन, डीकम्पोजर। सेप्रोफाइट माने डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करने वाले, और उनकी कैटेगरी डीकम्पोजर कौन, जो ऑर्गेनिक या फिर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में, यानी मिनरल में कन्वर्ट कर दे, यानी मिनरलाइजेशन कर दे, है ना, उनको हम डीकम्पोजर कहते हैं। अपने घटकों में तोड़ देना, अपघटक, ठीक है। तो ये अपघटक करेंगे, जैसे मान लिया कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, मान लिया, है ना, मान लिया C6H12O6 को छोड़ा, तो किस में तोड़ देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसको क्या कहते हैं, लिटर्स। अब देखो लिटर का मतलब क्या होता है बेटा, लिटर का मतलब पादप के जो ट्विग्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, उनके टूट टूट कर नीचे पत्तियां बिखर जाती, उनको हम लिटर कहते हैं, समझ में आ गए। डेट्राइटस माने क्या, प्लांट और एनिमल के रिमेंस, और लिटर का मतलब क्या, प्लांट के रिमेंस। तो ये लिटर पर लगता है और उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक एलिमेंट में तोड़ देता है। क्लियर है फंडा, श्योर, तो ये समझ में आ गए। अब देखो जब ये तोड़ेगा और मिनरल करेगा, तो इसका मतलब हेल्प किस में कर रहा है, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प कर रहा है, श्योर, खत्म हो गई बात। अब देखो याद आओ करना है अपने को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस तो होता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो कंडीशन क्या बनती है, ये देखो ऐसे ऐसे माइसिलियम बनेंगे, यानी कि बीच में सेप्टा नहीं बनेंगे, ये न्यूक्लियस तो बन गए पर बीच में पट नहीं बना। जबकि इसमें क्या होंगे, देखो न्यूक्लियस सेप्टम, न्यूक्लियस सेप्टम, न्यूक्लियस सेप्टम, न्यूक्लियस सेप्टम, तो इनमें इसमें इसमें और इसमें तीनों में एक ही जैसी कंडीशन होगी। कैसे, मोस्टली पहली बात तो मोस्टली मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का दिया है कि मल्टी सेलुलर, जैसे पेनिसिलियम और यूनिसेलुलर, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ध्यान रखना, ठीक है। यीस्ट की जो लाइफ साइकिल है वो फंजाई के जैसी है। यीस्ट किस में काम आता है, फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रोसेस में काम आता है, इसलिए ये ब्रेड, बियर वगैरह ना इसको बनाने में काम आती है। तो ये वैसे तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर किस में, प्रोटिस्टा में, लेकिन ये यीस्ट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो एक तो ये, अब माइसिलियम देखो, ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट एंड ब्रांच एंड सेप्टेट, हो गया काम खत्म।
चलो अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीछे डिटेल कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ याद करना है या तो जू स्पोर और या एप्लेनोस्पोर। जू स्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल। और एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। अच्छा ये दोनों ही किसके अंदर बनते हैं बच्चे? स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, है ना। जैसे ये स्पोरेंजियम है तो ये स्पोरेंजियम के अंदर बने, इसका मतलब एंडोजिनस, अंतर्जात प्रवृत्ति, अंतर्जात, है ना। तो स्पोरेंजियम के अंदर बनना, समझ में आ गई। लेकिन यहाँ क्या है, कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं? देखो जैसे ये माइसिलियम चल रहा है, ये कोनिडियम फोर बना और इस पर कोनिडिया, ये कोनिडिया बना, ये कोनिडिया बना। ये कौन से वाला है? न्यूली डेवलप्ड। और ये क्या है? ओल्ड। तो इसका मतलब नीचे से बन रहे हैं। तो ऐसे ऑर्डर को क्या कहते हैं बच्चा? बेसिपिटल ऑर्डर। तो कोनिडिया कैसे बनता है? पहली बात तो बाहर कट कट कर निकल रहे हैं, तो इसलिए वर्ड क्या आएगा? एक्सोजिनस, बहिर्जात। क्या कहेंगे इसको? बहिर्जात। समझ में आ गई। और दूसरा ऑर्डर कैसा है? बेसिपिटल, तलाभिसारी। क्या कहेंगे इसे? तलाभिसारी। हो गया काम खत्म। इसमें देखो ध्यान रखना, जनरली तो जनरली बोला है, ऑलवेज नहीं बोला है। ये जो ए सेक्सुअल स्पोर बनते ही नहीं है, किससे होता है रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव। किससे? फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन प्रोसेस है इसके। फ्रेगमेंटेशन क्या है? एक कॉमन प्रोसेस, ध्यान रखना। हो गया काम खत्म। इसमें रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल स्पोर है, और वो कौन से हैं बच्चे? कोनिडिया। कोनिडिया कैसे होते हैं? अभी पीछे बताया था, एक्सोजिनस होते हैं और बेसिपिटल ऑर्डर में लगते हैं। हो गया नेक्स्ट खत्म, चलो अगला बढ़े। अगला देखो ये क्या कह रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे दोबारा आ गया ये, नहीं ए सेक्सुअल नहीं बेटा, ये सेक्सुअल होगा, ये गलती से आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। देखो इसमें जो सेक्सुअल स्पोर है उसको देखो, एक वर्ड तो देखो यहाँ लिखा है जाइगोस्पोर, और एक आपको पता है जनरल करेक्टर में आ गया था, कौन था? ओस्पोर, ठीक है। तो जाइगोस्पोर जाइगोमाइसिटीज में, और ओस्पोर ओमाइसिटीज में, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज की चार सब क्लासेस होती है, क्राइटेरियोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज, आपको मतलब नहीं है, आपको जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज से मतलब है। इसमें राइजोपस और म्यूकर आते हैं, इसमें एल्बुगो आता है। तो जो जाइगोस्पोर और फॉर्म किससे फॉर्म होता है? दो गैमेट। दो गैमेट कौन से? देखो अब, देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने, अगर गैमेट सकल में यानी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और बिहेवियर सिमिलर हो तो आइसोगैमेट्स कहते हैं। इनमें फ्यूजन होगा तो आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे, और इससे जो बनेगा वो जाइगोट, और इसमें मोटी भित्ती बन जाएगी तो ओस्पोर। अगर ये एक छोटा तो मेल और एक बड़ा तो फीमेल, तो देखो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है बट बिहेवियरली सेम है, इनमें फ्यूजन होगा तो एन आइसो टाइप ऑफ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब ये देखो मेल, ये दोनों क्या हैं? मेल, और ये लार्ज साइज का फीमेल, तो इससे क्या कहेंगे हम? ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसको इसके लिए वर्ड क्या है बेटा? देखो अब मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, जरूरी है क्योंकि वहाँ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये जो आइसो एन आइसो गैमिस है, इसके लिए मैं देखो एक वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे, प्लीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। इसको क्या?
कहते हैं बेटा? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, है ना, मेथड्स के नाम आते हैं। तो ये एनाइस टू गैमेट के फ्यूजन से होता है, जो कि मॉर्फोलॉजी की सिमिलर हो तो आइसोगैमस और डिसिमिलर हो तो एनाइसो और ओगैमस कहते हैं। हो गया काम खत्म। अब इसमें सेक्सुअल स्पोर अभी पीछे बनाया था, एस्को स्पोर पीछे फ्रूटिंग बॉडी बनाई थी, देखो ये री है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी, ये तो यहाँ तो स्पाइरल माइसीलियम है, और जो फर्टिलिटी में काम आता है ना, ये रिप्रोडक्शन में काम आता है, उसे क्या कहते हैं बेटे? थीसीयम। क्या कहते हैं? थीसीयम, या कहते हैं हाइमीनियम। साफ दिख नहीं रहा है, मैं बोल रही हूँ थीसीयम या हाइमीनियम, और बाकी बीच में क्या है, ये सारा का सारा स्ट्राइल हाइफाई, ये फर्टाइल है, जो कि किस में काम लाता है? प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी, और उसके बाद मियोसिस, और मियोसिस से क्या बन जाता है? ये हैप्लॉइड स्पोर, इसको क्या कहते हैं? एस्को स्पोर। ठीक है, तो ये थी फ्रूटिंग बॉडी की बात। तो ये एस्को स्पोर बनाते हैं, जो किसके अंदर बनते हैं? एंडोजिनसली, अंदर बने थे ना, वो सिंगुलर इसका एस्कस है और प्लूरल इसका एसआई है। अब देखो ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी, अब मैं तीनों के नाम लिख देती हूँ। क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम और एपोथीशियम, तीन टाइप की फ्लोटिंग बॉडी। मतलब जो मैंने पीछे बनाई थी ना, वो कैसी थी? एपोथीशियम। पेरीथीशियम कैसी होगी? जो ऑस्टियोसिकल होगी, यहाँ एस्कस यहाँ होंगे और ये एस्कोस्पोर, ठीक है, ये ऑस्टियोसिकल होगी। और क्लिस्टोथीशियम पता है क्या होगी? पूरी की पूरी बंद होगी और अंदर ये ऐसा ही होंगे। तो क्लिस्टो मैंने बंद होता है, इसका मतलब क्या होता है? ऑस्टियोल है ना, छेद से खुलता है, और इसका मतलब पूरी ही ओपन होती है, जैसे कि ये रहा पीछे पूरी ओपन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई फंडा, डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी। अब आ जाओ यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो इसमें आपको यहाँ थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है, यहाँ समझा रही हूँ। जैसे ये देखो, ये कह रहा है दो सोमैटिक या वेजिटेटिव हाइफा, जैसे मैं ये कह रही हूँ सॉयल है, इसके नीचे बेसिडियोस्पोर गिरे, जर्मिनेट हुए तो वेजिटेटिव हाइफा निकाला, ऊपर आए तो कहीं से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, तो ये क्या हो गई प्लाज्मोगैमी। अब ऐसे ही बहुत सारे हाइफा आपस में मिक्स हुए थे, तो यहाँ जो हाइफा बनते हैं वो क्या हो गए? डाइकेरियन फेज। कैसे हो गए वो? डाइकेरियन वाले, हर एक में दो न्यूक्लियस है, इन्होंने बना दी पूरी फ्रूटिंग बॉडी। यानी कि ये सब के सब जो हाइफा हैं, ये सब के सब जो बन गए ना, ये सब के सब, देखो एक बना रही हूँ, ये देखो इनमें दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, इनमें से कुछ हाइफा जो है वो नीचे की तरफ मुंह करेंगे, तो इनमें देखो प्लाज्मोगैमी तो पहले हुई हुई थी, अब इसमें क्या होगी? कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी हुए तो ये क्या होगी? डिप्लॉइड सिनकैरियन बन जाएगा, यानी ये 2n हो जाएगा। इसमें अब मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन होगा, तो ये देखो ये बनेगा ऐसे बेसिडियम, और उससे चार बेसिडियो स्पोर बनेंगे। तो देखो ये मैंने पीछे भी बोला था, ये बेसिडियो कार्प, ये बेसिडियम और ये बेसिडियो स्पोर, ठीक है। तो ये देखो प्लाज्मोगैमी ब्रॉट टुगेदर टू वेजिटेटिव सोमेटिक हाइफा डिफरेंस इन सिमिलर, देखो आपको पता है डिफरेंस स्ट्रेंथ का, एक ये स्ट्रेंथ प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो डिफरेंस जीनोटाइप को लेते हैं, और रिजल्ट के स्ट्रक्चर में क्या आती है? डाइकैरियोटिक माइसिलियम बन गया, और डाइकैरियोटिक में विच अल्टीमेटली गिव राइज टू, क्योंकि ये बाद में क्या होगा, जब कैरियोगैमी होगी तो बेसिडियम बनाएगा, और उसमें क्या हो जाएंगे? बेसिडियोस्पोर बन जाएंगे। हो गया, अब देखो इसी के नीचे है ये, वास्तव में ये कंटिन्यूस है बेटा, ये कंटिन्यूस है। बेसिडियम कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियो, प्रोड्यूस बेसिडियो स्पोर, और वो कैसे होते हैं बेटा? एक्सोजिनस होते हैं, बाहर कटके गिर रहे ना, इसे एक्सोजिनस, ये देखो निकाल एक्सोजिनस एंड प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, ये आ गया बेसिडियम, प्लूरल बेसिडिया और बेसिडिया अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? बेसिडियो कार्प। ये कंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल लगे, थोड़ा मिसहैंडलिंग भी है। हो गया काम खत्म, समझ में आ गया पक्की श्योर? तो ये देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आओ इसमें आपको पता है कि सेक्सुअल स्टेज क्या है? अननोन। अगर ये ऑप्शन नहीं होना तो एब्सेंट कह सकते हैं। अब देखो सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस इज डिस्कवरी इन दे रिमूव्ड टू क्लासिफिकेशन राइट बिलोंग टू, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया, बाकी सारा एनसीईआरटी में। अब मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअल में वो मेंबर किसके थे? एस्को और बेसिडियो के थे, उनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल ज्ञात नहीं हुई, तो उसको टेम्परेरीली किस में डाल दिया गया? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। अब जब ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाला तो उसका एक टेम्परेरी नाम रख दिया गया, जिसको फॉर्म नेम कहते हैं, जैसे ए रखा, ठीक है। अब जैसे ही उसका नॉलेज हो गया लोगों को, यानी साइंटिस्ट को, तो उसमें अगर एस्को के करेक्टर है तो एस्कोमाइसिटीज में डाल देंगे, और बेसिडियो के करेक्टर है तो बेसिडियोमाइसिटीज में डाल देंगे।
ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था ना पीछे कि ये टेम्परेरी ग्रुप है, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल याद करना है। देखो इसका ट्रिक क्या बनता है, कैट कैट लिखना है, कैट कैट मैंने कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन है, सम कॉमन एग्जाम्पल लिखा है, इसमें भी सम कॉमन एग्जाम्पल ये रहा, सम कॉमन एग्जाम्पल। इसमें क्या है, म्यूकर राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, एल्बुगो पैरासाइटिक फंजाई। ऐसे एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला। अब बाबा ये देखो, ये एग्जाम्पल इसके हैं, ये एग्जाम्पल गौर कीजिएगा, गलती हो गई है यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, इसके हैं। न्यूरोस्पोरा ना ये जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में काम ली जाती है, पता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि एनिमल में तो जेनेटिक्स में यूज लेते हैं ड्रोसोफिला और इसमें लेते हैं प्लांट किंगडम। अब देखो इसके एग्जाम्पल कौन से, एगेरिकस, एस्टिलेगो और पक्सिनिया। पीछे बोला था मैंने स्मट जो है फैलाता है एस्टिलेगो और रस्ट फैलाता है पक्सिनिया, और ये एगेरिकस है ना, ये मशरूम है। अब देखो इसके अलावा याद करो ब्रैकेट फंजाई, यहाँ से हट गया है ब्रैकेट फंजाई है ना, पफ बॉल्स, ये सब इसमें ही आते हैं, ध्यान रखना, पफ बॉल्स, मशरूम है ना, ये इसमें आते हैं। और इसके अलावा इसमें कौन से थे, देखो इधर देखो, इधर देखो, यहाँ तक तो हो गया ड्रोसोफिला का। अब देखो कुछ मॉरेल्स, मॉरेल्स मतलब मॉर्चेला, और ट्यूबर टाइप की फंजाई होती है, ट्यूबर मतलब अंडरग्राउंड फंजाई है ना, तो उसको कहते हैं ट्रफेल्स, ट्रफेल्स है ये, ट्रफेल्स, समझ में आ गई। तो ये थे हमारे चारों ग्रुप के कंपेरेटिव करेक्टर। अब देखो आप ये मत कहना कि इसको पैराग्राफ में समझाए ना, इसको आप खुद पढ़ेंगे। ये देखो एस्कोमाइसिटीज, ये वाला डायग्राम किसका है बच्चे, किसका है, एस्परजिलस का, एस्परजिलस है ना, तो ये क्लिस्ट्रोथीस, ये कोनिडिया स्पोर बन रहे हैं, कोनिडिया, ये देखो सारे के सारे ये नीचे गिरेंगे और माइसिलियम बनाएंगे। अगला आ जाओ, देखो इसकी हिंदी में दे रखा है, और अगला फिर बेसिडियो माइसिटीज, फिर लास्ट में टेबल दी हुई, और मैंने टेबल आपको समझा दी है यहाँ पर, ठीक, ओके। अब आइएगा यहाँ अगला पॉइंट, वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, वायरस है ना ये है, देखो कंप्लीट ये न्यूक्लियोकैप्सिड, ये देखो ये कैप्सिड है इसका, ठीक है, ये कैप्सिड है जो कि कैप्सोमियर से बना है, ये कैप्सोमियर है। इस कैप्सोमियर की संख्या और इसका जो सिमेट्री है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। इसके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए, ये क्या होता है, या तो आरएनए और यह क्या होता है, डीएनए, समझ में आ गई। ये क्या होता है, प्रोटीन कोट, ठीक है, प्रोटीन कोट, और इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, कैप्सिड कहते हैं, पक्का याद रखेंगे। अब देखो आप छोटी सी बात देखो, वायरस तो ये है कंप्लीट, अगर बाकी मैं डिटेल अभी इसके साथ पढ़ाऊंगी, अगर केवल आरएनए हो, केवल आरएनए ही हो इन्फेक्शियस पार्टिकल, उसके ऊपर कोट ना हो, तो वायरस के जैसा, ये तो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये तो है कंप्लीट वायरस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वायरोइड, ओइड मैंने वायरस के जैसा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इनफोल्ड होया हुआ प्रोटीन कोट, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ध्यान रखना, तो ये क्या कहलाता है, प्रायोन, ठीक है। तो वायरस, वायरॉइड और प्रायोन, वायरस, वायरॉइड और प्रायोन, बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा चाहिए, ठीक है। ये तो न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए, जो कि इन्फेक्शियस पार्टिकल है, इसका इन्फेक्शियस पार्ट यही है, ये इसको प्रोटेक्शन देता है और शेप देता है, ठीक है। अब दूसरा कौन है, आरएनए, केवल आरएनए वाला इन्फेक्शियस, कुछ स्पीसीज अलग स्ट्रेन बनते हैं तो वायरॉइड कहलाते हैं, और कुछ वे स्ट्रेन जो कि केवल क्या होते हैं, जो दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डिजीज फैलाते हैं, वो केवल प्रोटीन के ही होते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, तो उनको प्रायोन कहते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहली तो बात है कि क्योंकि ये ए सेलुलर या क्या कहेंगे इसको, नॉन सेलुलर है, ठीक है, तो इसके कारण विटेकर ने वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन को अपने क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी है, समझ में आ गई। विटेकर के क्लासिफिकेशन में इन तीनों का स्थान नहीं है, और इवन द लाइकेन का भी स्थान नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ सबसे पहली बात की आपने देखा कि बहुत सारे जुकाम खांसी है, कोरोना फैला ना अभी, तो जुकाम खांसी फ्लू जिसपे भी होता है ना, वो वायरस से फैलता है, जहाँ फ्लू लिखा हो ना, फ्लू मतलब बोलते ना, तो वो वायरस से ही होता है। अब देखो वायरस क्या होता है,
कि हम वायरस को ये कहते हैं कि हम ना तो उसको लिविंग कह सकते हैं और ना ही हम नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि कुछ करेक्टर इसमें लिविंग के हैं और कुछ करेक्टर नॉन लिविंग के हैं। अगर ये हॉस्ट सेल के अंदर चला जाए तो ये हॉस्ट सेल की मशीनरी, मशीनरी का मतलब उसके एंजाइम, उसके प्रोटीन, उसके राइबोसोम, उनको यूज करके हॉस्ट के तो सारे के सारे मटेरियल को खा जाएगा और अपनी ग्रो कर ले, अपनी ग्रोथ कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो करेक्टर अपनी अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब तो ये लिविंग का करेक्टर है। लेकिन जैसे ये हॉस्ट सेल से बाहर आएगा, एक क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि क्रिस्टल में मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन पार्ट होता है। समझ में आ गई? तो इसका मतलब बाहर तो ये प्रोटीन के क्रिस्टल लाइक है और अंदर इसमें जेनेटिक मटेरियल जब अपनी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये अपनी सेल की सारी मशीनरी को यूज करके उस सेल को, तो हॉस्ट की सेल को तो खत्म कर देगा और अपनी ग्रोथ करेगा। इससे मतलब नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, लेकिन इसको हमें ध्यान रखना है, इसको हम ए सेलुलर या नॉन सेलुलर कहते हैं, क्योंकि अगर हम ये कहें कि सेल, कोई भी लिविंग सेल है उसमें सेल होना तो जरूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल होना जरूरी है, इसका मतलब इसमें तो सेल है ही नहीं। समझ में आ गई? इसकी खुद की तो कोई सेल है ही नहीं, इसलिए हम इसको लिविंग नहीं मानते। ठीक है, तो ये देखो साफ साफ लिख रखा है, ऑल ऑफ यू सफर्ड द इफेक्ट, ये देखो वायरस नॉट फाइंड प्लेस क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड लिविंग इफ वी, देखो यहाँ से देखो ध्यान रखना इस लाइन को, इफ वी कंसिडर्ड लिविंग एज ए दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर द वायरस इज नॉन सेलुलर। समझ में आ गई? और यहाँ पे ऊपर लिख रखा है देखो, फाइव किंगडम वाइटेकर नो मेंशन लाइकेन एंड सम ए सेलुलर, लाइकेन एंड सम ए सेलुलर, ए सेलुलर कौन हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो इनको इंक्लूड नहीं किया गया। समझ में आ गई? और ये बॉडी के आउटसाइड में इनर्ट क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं। हो गया काम खत्म, ये इसकी हिंदी है। अगला देखो, नेक्स्ट एक आपको ध्यान रखना है, ये तो मैंने बता ही दिया था कि जब ये बॉडी के अंदर जाएंगे तभी मशीनरी हॉस्ट की यूज करेंगे। और अब देखो ये क्या कह रहा है कि वुड यू कॉल लिविंग और नॉन लिविंग, तो हम क्या कहेंगे, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक, ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। अब देखो आपको यहाँ तो बेटा याद ही करना है, सबसे पहला इवानोवस्की, ठीक है, एक नंबर पर इवानोवस्की, इसने क्या किया था, इसने कॉजल ऑर्गेनिज्म की पहचान की थी। ठीक है, कैसे थे वो, टोबेको मोज़ेक डिजीज वाले, है ना, तो ये कह रहे थे कि मोज़ेक डिजीज फैला रहा था टोबेको, इसका मतलब TMV की पहचान इसने की। ठीक है, फिर इसने कहा कि ये जो TMV से छोटे हैं, क्यों, क्योंकि सॉरी बैक्टीरिया से छोटे हैं, कौन, बैक्टीरिया से छोटे हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से ये क्या होता है, छन जाते हैं। ठीक है, दूसरा कौन, MW, देखो एक तो देखो MW है और एक WM है, उल्टा है, देखो आप कैसे MW बेजरिंग और तीसरा कहाँ गया, WM स्टैनले, याद करने का फंडा सीखना अपने को तो। ठीक है, तीसरा देखो, इसने तो TMV को पहचाना, इसने क्या किया, वो जो TMV था ना उसका एक्सट्रैक्ट इन्फेक्टेड प्लांट से निकाला और हेल्दी प्लांट में इसको इन्फेक्शन किया, तो उसने देखा कि वहाँ पर भी इन्फेक्शन फैल गया, इसलिए उसको क्या बोला, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडम, यानी इन्फेक्टिव लिविंग फ्लूड, किसने बोला, MW बेजरिंग की। और MW स्टैनले ने क्या किया, उस वायरस को क्रिस्टलाइड किया और इसने कहा कि क्रिस्टल में जो है ना वो मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं और ये आउटसाइड हॉस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये आउटसाइड में तो इनर्ट होते हैं लेकिन हॉस्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो इसने कहा कि क्यों, और इसलिए इसमें एक बात विशेष और ध्यान रखना है, जो कि लिविंग का करैक्टर है, हॉस्ट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है और इसी को कहते हैं हम ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट, अच्छा सेल के अंदर रहते हैं ना इसलिए ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट, पूरा नाम ये है, यहाँ NCERT में आपने ऑब्लिगेट पैरासाइट दिया है तो एंडो पैरासाइट भी याद करना, क्योंकि सेल के अंदर ही जीवित रहते हैं। अब अगला आ जाओ आप, अगला देखो, ये कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है और इन जनरल किस में क्या होता है। अब देखो आपको एक बात तो ध्यान रखना है, प्रोटीन, वायरस में प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो कि कभी भी दोनों नहीं होते, क्या होता है, या तो RNA और या DNA, पीछे लिख चुके हम,
ठीक है। और इसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल है वही इन्फेक्शियस होता है। अब आ जाओ यहाँ से, यहाँ से आपको याद करना है, क्या याद करना है, देखो इसने असल में वायरस का क्लासिफिकेशन अपनी तरफ से एक बार कर दिया है। इसने कहा वायरस के तीन टाइप, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियल वायरस, यानी जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसने क्या बोला, देखो प्लांट वायरस है ना, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, SSRNA होता है, जनरली बोला है, ध्यान रखना है, स्पेशली याद रखना है, एक्सेप्शन होते हैं। तो ये तो प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। अब आ जाओ कौन सा एनिमल आरएनए, एनिमल वायरस, उसमें इसने साफ साफ लिख दिया, देखो दोनों तरह के, इसका सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड, यानी SSRNA भी और DSRNA भी, ठीक है, और DsDNA भी, देख लो आप खुद ही आपके सामने, आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब तीसरा बैक्टीरियल, इसमें इसने क्या बोला, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें इसने क्या बोला, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कुछ बात समझ में आई पक्की? अब बाकी देखो वो जो मैंने बना रखा था ना पीछे, बताया था, बस सब वही है। कैप्सिड कहलाता है, स्मॉल एंडियन कैप्सोमियर कहलाती है, प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को, है ना, कैप्सोमियर। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अब ये कह रहा है कि कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है इसका, है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। या तो देखो ये जो हेलिकॉइड, देखो पीछे अभी बताती हूँ आपको, पीछे बताती हूँ ना, ये हेलिकॉइड होता है और या ये क्यूबॉइड होता है जिसे पॉलीहेड्रल बोला है। तो देखो ये देखो वायरस अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल, समझ में आ गई? तो ये सिमेट्री है वायरस की। अब बाकी आप डिजीज याद करनी है। अब देखो आपको पता है आपको पांच पांच डिजीज है, कैसे याद करोगे, देखो ऐसे बिल्कुल लिख के करा करो आप, एनिमल में और प्लांट में। क्या बोला इसने, देखो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और एड्स। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और एड्स, हो गया ना पांच, है ना। ऐसे देखो इसमें ये तो गई यहां तक, समझ में आ गई यहां तक। अब प्लांट में क्या बोला, देखो पहला मोजाइक लीफ रोलिंग कर्लिंग, मोजाइक लीफ रोलिंग लीफ कर्लिंग, ठीक है। उसके बाद देखो इन्हें येलोइंग एंड वेन क्लियर, येलोइंग एंड वेन क्लियर, ठीक है, और स्टूंड ग्रोथ, है ना, तो स्टूंड ग्रोथ 1 2 3 4 5, समझ में आ गए। तो ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ समझना नहीं है। अगला बढ़िएगा आप, ये हो गए, ये देखो आप हेलिकॉइड, है ना, इसमें देखो ये क्या है, आरएनए, और ये कैप्सोमियर है, ये देखो ये ऐसे, ठीक है, इस कैप्सोमियर से मिलकर क्या बना, ये कैप्सिड बना। और ये एक्चुअल में क्या होती है, सिमेट्री जो वायरस की होती है ना वो तीन टाइप की होती है, हेलिकॉइड जिसका ये है, एक पॉलीहेड्रल या क्यूबॉइड जो ये होती है, और ये तीसरी है ना ये बाइनेला होती है या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें देखो ये देखो आप, ये तो क्या हो गई क्यूबॉइड और ये क्या हो गई हेलिकॉइड, तो इनमें दोनों का मिक्स होता है, समझ में आ गई, इसमें दोनों का मिक्स होता है। तो ये हेड, ये कॉलर, है ना, ये सीट, और ये क्या है, टेल फाइबर है, जो यहाँ पर जैसे ये बैक्टीरिया है तो ये क्या हो गया, इसका हेड पॉलीहेड्रल, ये टेल हेलिकॉइड, और ये टेल फाइबर, और ये प्लेट जिससे ये अटैक करते हैं, तो ये यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाता है और ये गोस्ट जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये सिमेट्री है, यहाँ पे पूरा नहीं दे रखा, अगले चैप्टर में। अगला आ जाओ, देखो वीरोइड, मैंने अभी पीछे अंतर तो बता दिया था। सबसे पहले तो क्या याद करना है, टीओ डाइनर ने इसको रिसर्च किया। दूसरा, इसने साफ साफ लिखा न्यू इन्फेक्शियस, इसलिए बोला क्योंकि वायरस से कंपेरिजन किया है, इसने वायरस से कंपेरिजन किया है, ध्यान रखना। फिर एक बात क्या ध्यान रखने कि ये वायरस से छोटा है, और इसका रोग कौन सा बताया, पोटेटो स्पिंडल वायरस, है ना, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर। फिर इसमें केवल आरएनए होता है, फ्री आरएनए ही होता है, क्या होता है, फ्री आरएनए। तो अब बता दो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वायरस की तुलना में क्या होता है, कम होता है, किसका, वायरॉइड का, समझ में आ गई। तो नौ मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होती है, वायरस के जैसा है पर कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वायरॉइड कहते हैं, खत्म हो गया काम। अब प्रियोन में क्या कहता है, ये देखो साफ कह रहा है कि मॉडर्न मैस्टिशन है ना,
वो कई बार क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज फैलाती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज फैलाती है। तो देखा कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आखिर ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र क्यों होती है, तो रिसर्च जब की गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो कोई ऐसी डिजीज फैला रहा है। यानी कि यहाँ क्या हो गया, प्रोटीन भी इन्फेक्शियस हो गया। क्या हो गया, प्रोटीन भी इन्फेक्शियस हो गया। तो ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल कहलाता है। समझ में आ गई। फिर ये कह रहा है साफ साफ कि इस एजेंट का जो साइज था ना, जो वो वायरस के जैसा था, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, प्रायोन। ठीक है। फिर इसने कहा ये बहुत ही बदमाश है और बहुत सारी डिजीज फैलाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज इसने कहा बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BES। ठीक है, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसी को क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज। इसी को क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज। कैटल में तो मैड काउ डिजीज कहते हैं, और ह्यूमन में क्या कहते हैं, BES, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। दूसरी एक और ऐसी ही रोग है ना, जो दूसरे वायरेंट के द्वारा होता है, उसको कहते हैं, देखो साफ साफ, CZD, क्रुड्ज जैकब डिजीज। समझ में आ गया। केवल प्रोटीन है, स्मॉलर साइज का है, वायरस के जैसे शक्ल में है, साइज में भी वैसा ही है, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, केवल ओवर इन्फ्लोडेड प्रोटीन है, और ये न्यूरल डिजीज को फैलाता है, पागलपंथी का रोग डेवलप कर देता है। ह्यूमन में बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कहलाता है, जबकि कैटस में मैड काउ डिजीज कहलाती है। ठीक है। और ऐसा ही कोई एक दूसरा वायरेंट है जिसके द्वारा जो फैलता है, वो क्रुड जैकब डिजीज यानी CJD कहलाता है। ओके, चलिएगा अगला, लास्ट, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा शांति से, लास्ट क्लोजिंग। क्या बात है, बने रहिए। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच में, एल्गी और फंजाई। यह एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉप। एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉप, और फंजाई क्या है, हिटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप इसलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती है, तो ये इसको फूड प्रोवाइड करती है, और ये दो काम करती है, क्या करती है, एक तो शेल्टर करती है, जगह बनाती है, और दूसरा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके और फंजाई को, एल्गी को देती है। समझ में आ गई। इसके एल्गल पार्ट को हम कहते हैं फाइकोबायोंट, और इसके फंजाई पार्ट को कहते हैं माइकोबायोंट। अब आपको दिख रहा है कि मतलब एल्गी और फंजाई दो हैं, पर इनका कॉम्बिनेशन इतना म्यूचुअलिस्टिक होता है कि हम कहीं पर भी इस बात को देख नहीं पा रहे कि ये एल्गी या फंजाई। मतलब लाइकेन बिल्कुल इतना ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है, जिसको अगर मान लिया सेपरेट भी कर देना एल्गी, तो लाइकेन का कोई एग्जिस्टेंसी अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए इसको ऑब्लिगेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, ध्यान रखना। और फिर अब मैंने बता दिया है कि एल्गी फंजाई का है, एल्गी ऑटोट्रॉप्स होती है, टोरोट्रॉप्स होती है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, फूड प्रोवाइड करती है, जबकि ये शेल्टर और वाटर मिनरल प्रोवाइड करती है, और ये अपने पार्टनर के लिए करती है, और ये अपने पार्टनर के लिए, तो यानी कि दोनों का अपना अपना रिलेशन है, और इसे प्लस प्लस रिलेशन कहते हैं। समझ में आ गई। तो देख लो, फाइकोबायंट फंगल पार्ट, सॉरी ये देखो एल्ग, यहाँ से करना था, एल्गल पार्ट को क्या कहते हैं, फाइकोबायंट, और जो है माइकोबायंट क्या कहते हैं, फंगल पार्ट को कहते हैं। थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ हुई है। ठीक है। अब देखो, फाइकोबायंट ऑटोट्रॉप होता है, और माइकोबायंट हेटेरोट्रॉप होता है। एल्गी क्या प्रिपेयर करती है, फूड प्रोवाइड करती है इसको, और फंजाई क्या करती है, शेल्टर और एब्जॉर्ब मिनरल करती है। ठीक है। अब देखो, ये सो क्लोज रिलेशन है ना, देयर एसोसिएशन दैट वन सॉ लाइकेन इज नेचर इन वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तुम कभी अनुमान ही नहीं लगा सकते हो कि इसमें कोई माइकोबायंट और फाइकोबायंट दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब लास्ट बस याद करना है कि लाइकेन क्या होते हैं, पॉइजनस इंडिकेटर होते हैं। ठीक है। तो ये देखो, पॉइजनस इंडिकेटर कह दो या पॉल्यूशन, वास्तव में पॉइजनस ही होता है। क्यों? क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ होगी ना, है ना, एयर में अगर
SO2 की कंडीशन अधिक होगी ना तो ये पॉल्यूशन हो जाएगी। आपको पता है पीछे एनवायरमेंटल इश्यू पढ़ोगे आप तो SO2 की कंसंट्रेशन क्या करती है, इस एयर को पॉल्यूट कर देती है। तो जहाँ एयर पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकेन ग्रोथ नहीं करते, इसलिए इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। वाह क्या बात है, लास्ट तक बने रहे इसके लिए, मतलब आप सोचिए ये कम से कम मैंने में भी जो है 7:45 से 8:45 और 9:15 सवा दो घंटे का लेसन है।